मैं हिंदी साहित्य का एक अदना सा विद्यार्थी, मेरी हाय विडंबना तो देखिए, मैं कामायनी में सवार था, फिर भी जा रहा था प्रसाद के नगर से दूर। लेकिन आज हम दूर नहीं जा रहे हैं, आज हम आए हैं प्रसाद के नगर, प्रेमचंद के नगर, भारतेंदु हरीश्चंद के नगर और कबीर के नगर। ये नगरी है विश्वनाथ की, ये नगरी है उन तमाम घाटों की जिनके साए में न जाने कितने स्वप्न सोते जागते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृति बरनवाल और आप देख रहे हैं हिंदी नामा ओरिजिनल्स जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। मैं इस वक्त जिस जगह पर खड़ी हूँ उसका नाम है कबीर मठ और कबीर ने यहाँ अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया था। इस जगह से कुछ ही दूरी पर लोहटिया है जहाँ आज जा रहे हैं हम व्योमेश शुक्ल से मिलने उनके घर। आइए चलते हैं। धरती से निकला फिर धरती में घुसता है लोहा, बनकर हल्की फाल, लोहे के बल पर ही चलती सबकी रोटी दाल। दिनेश कुमार शुक्ल की ये कविता लोहटिया आकर जैसे सत्य हो जाती है। लोहा यहाँ सर्वत्र है अपनी चमक, गमक और धमक के साथ। वो चारों ओर से बहता है संगीत की तरह ठक ठक करता हुआ। लोहा सिर्फ लोहटिया का नहीं है, लोहा हम सबका है और वो आकार ले रहा है हमारे जीवन में सुगमता से प्रवेश के लिए। ये बनारस का वो स्थान है जहाँ लोहे से खेलते हुए जाने कितने जीवन समर्पित हो गए। आग की तपन बर्दाश्त करने के बाद जब लोहा और कारीगर बाहर निकले तब वो सोना हो चुके थे। हम आए हैं बनारस के लोहटिया में व्योमेश शुक्ल के घर। नमस्ते व्योमेश, कैसे हैं आप? मस्त, आइए। प्रीति, आप जब यहाँ आती थी तब से अब तक यही परिवर्तन आया है कि हम लोगों ने इस जगह को थोड़ा सा और रोशन कर लिया है। काफी सुंदर हो गया है पहले से। खाली इसलिए कि मन लगे यहाँ पे। अब यही मुख्य भूमि है, रिहर्सल्स वगैरह यही होते हैं। विमेश जी, इस घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? मेरे पूर्वज, मेरी नानी, मेरे नाना और मेरी माँ। ये तीनों इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन 300 पुराने इस घर में, जिसे पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने अपने मित्र शिष्य रंगकर्मियों के साथ मिलकर नया बना लिया है, वे पूर्वज भी रहते हैं। टेक्निकली कहा जाए तो मैं, तापस, साखी, स्वाति, नंदिनी, शाश्वत, हमारे संगीत निर्देशक शर्मा जी और बहुत सारे मित्र जो आज आकर इस जगह को गुलजार किए रहते हैं। ये जगह है, हमारे कामकाज की जगह है, हमारा स्टूडियो, हमारी वर्कशॉप यानी हमारा कारखाना, हमारा घर और कवि की तरह कहें तो हमारा मज़ार, हमारी समाधि। लेकिन इस जगह के आसपास इतना शोर है और उतने शोर के बीच में से यहाँ नाटक और कविताएं, कला कैसे निकलती है यहाँ पे? भंग नहीं होता? कृति, मेरी किताब आई है अभी, आग और पानी। आग और पानी बनारस पर एकाग्र गद्य की एक पुस्तक है।
जो इसी शोर को समर्पित है। ये शोर महज इस घर का शोर नहीं है, इस मोहल्ले जिसका नाम लोहटिया है और जो लोहे का बाजार होने के कारण मशहूर है, उसका भी शोर नहीं है। ये बनारस का कोलाहल है जो ज़्यादातर शोक और हर्ष से अप्रतिहत है। ये जो शोर आप सुन रहे हैं ना, इसका संबंध न मनुष्य के दुख से है न मनुष्य के सुख से। ये एक अहर्निश रात दिन चलता हुआ वैराग्य है, एक वीतराग, एक संतत्व, एक तरह की फकीरी। ये लगातार ठक 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 ठक, कभी विलंबित लय में, कभी मध्य लय में, कभी द्रुत लय में, जो चलती चली जा रही है। आप सुन रहे हैं लोहे की चादर को एक लुहार कलाकार मानो सीधा किए दे रहा है, या गोल किए दे रहा है, या चौकोर न जाने किस आकार में ढाल रहा है। कुल्फी का सांचा, दूध वाले का बाल्टा, आग जलाने का चूल्हा, पौना, सड़सी, चूहेदानी, न जाने क्या क्या तो इस बाजार में बनता है, जिसके ठीक बीच में मेरा घर है। तो आप चाहें तो कबीर को याद कर सकते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो बनारस की परंपरा है बीच बाजार में खड़े होकर आह्वान करना। तो आपका बाजार के साथ रिश्ता क्या है? एक तो उपभोक्तावादी समाज जो हर चीज को खरीद ही लेना चाहता है, हर स्वाद को हजम ही कर लेना चाहता है, हर स्पर्श पे कंधा छील लेना चाहता है, वो है। लेकिन हम तो बचाना चाहते हैं। हमारा जो हमारे कर्तव्यों से पैदा होने वाला शोर है, वो हमारी थाती, हमारा उत्तराधिकार भी है और हमारी पहचान भी है। और इस शोर के बीच में 300 सालों से मैं और मेरे पूर्वज इतने सहज रहे हैं। बनारस का एक लगभग 100 बरस पुराना वीडियो है जिसको YouTube आर्काइव्स में देखा जा सकता है, रियर वीडियोज़ ऑफ बनारस करके अगर खोजें हम तो उसमें लोहटिया का बाज़ार दिखाई देता है। उस समय बाज़ार में ऊंट और बैल चल रहे हैं, लेकिन लोहे का काम ऐसे ही हो रहा है। तो लोहे की आवाज़ है मेरे इर्द गिर्द, और सिर्फ लोहे की आवाज़ नहीं है, ये घर मेरा जिसमें हम लोग बैठे हैं, जो मेरी वर्कशॉप भी है, मेरी आरामगाह भी है, यही मैं स्वप्न देखता हूँ, मेरा युद्ध क्षेत्र भी यही है, मेरा वॉर रूम और मेरी रिहर्सल स्पेस भी। इस घर में तरह तरह की ध्वनियाँ हैं, एक विद्यालय चलता है, बच्चों का कोलाहल भी आप चाहें तो सुन सकते हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं और ऊपर स्कूल चल रहा है। तो शोर तो हमारा संगी है, हमारा साथी, मेरा गुरु। उसके बगैर मैं कल्पना ही नहीं कर सकता होने की। बहुत शांति कर दीजिए तो मैं डर जाऊंगा, बहुत अंधेरा कर दीजिए तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं चाहूंगा कि रोशनी हो। मुझे रोशनी बहुत पसंद है, और सिर्फ थिएटर की वजह से नहीं है। ये नहीं कि मैं रंग निर्देशक हूँ, रंगों से खेलता हूँ तो मुझे लाल, पीली, हरी, बैंगनी रोशनियाँ पसंद हैं। मुझे रोशनी जीवन में भी बहुत पसंद है। एक बहुत रोशन, बहुत तरह की ध्वनियों से भरी हुई जगह मुझे अपनी ओर बुलाती रहती है, वो मेरा घर हो या किसी और की जगह हो। और मैं क्या कहूँ शोर के बारे में। शोर यानी टोका टोकी, शोर यानी दखलंदाजी, शोर यानी सवाल पूछना, शोर यानि चीज़ें जैसे होती आ रही हैं उन्हें वैसे ही न होने देना, शोर यानि आलोचना का साहस, शोर यानि आलोचना का विवेक, शोर यानि नसों में खून की तरह घूमती हुई कोई पागल सी चीज़, शोर यानि
गर्भ में सुनी गई आवाज़। और मैं सच कहूँ आपसे कृति कि ये आवाज़ें मैं अपनी माँ के पेट में से सुनता हुआ बड़ा हुआ हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ और इन्हीं आवाज़ों के साथ इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। मैं संस्थापित हूँ। बुद्धि की दुनिया में संस्थापन को बहुत तवज्जो नहीं दी गई है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान विस्थापन पर रहा, एग्जाइल पर रहा। एडवर्ड सईद ने रिफ्लेक्शंस ऑन एग्जाइल जैसी किताब लिखी। मनुष्य दरबदर हुआ है, ये हमारी सभ्यता का, हमारे इतिहास का सच है। हमने पार्टीशन देखा है भारत और पाकिस्तान का, लोग अपनी जगहों से उखड़े और कहीं और जगह जाके बसे। लेकिन पेड़ की तरह रहना भी तो कुछ रहना हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी तो कोई होगा जो जिंदगी भर बालाजी मंदिर की बारादरी में अपने सुरों से महादेव को श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक ही जगह रहने का भी नाम है। जैसे बनारस से पंडित रविशंकर निकले और अमेरिका तक पहुँचे, बिस्मिल्लाह खान निकले ज़रूर, लेकिन वो लौट लौट के बनारस आए। बनारस उनकी मातृभूमि है, बनारस उनका मज़ार भी है। तो मुझे कुछ कुछ बिस्मिल्लाह खान वाला मॉड्यूल पसंद है। मैं बनारस में हूँ, बनारस में था और बनारस में रहूँगा। मैंने बनारस में एक किताब लिखी थी बीते दिनों, जिसका नाम है आग और पानी। उस किताब में समर्पण के शब्द जो हैं वो इसी शोर को समर्पित हैं। मैंने लिखा है, शोक और हर्ष से अप्रतिहत बनारस के अनवरत हो हल्ले को समर्पित। और आप जिन ध्वनियों का जिक्र कर रही हैं वो तो धातु की ध्वनियां हैं। यहाँ का आदमी भी धातु की तरह चीखता चिल्लाता बोलता पुकारता रहता है। आप बनारस की ख्याल गायकी को अगर सुने तो उसमें भी मानो आवाहन का, किसी को बुला लेने का, किसी को गरिया देने का तरीका मौजूद है। ये असर डालता है जो आप लिखते हैं उस पर असर दिखता है, जो आप करते हैं नाटकों में उस पर असर डालता है? पता नहीं डालता है कि नहीं, लेकिन अपने काम को इस नज़रिए से देखने का कि उसमें मेरे जगह की आवाज़ें शामिल हैं कि नहीं, मेरे लिए ये पहला मौका है। आप पूछ रही हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे काम में मेरे मोहल्ले का शोर शामिल है कि नहीं। और इतना तो तय है कि अगर वो शामिल नहीं है तो उसको होना चाहिए। देखिए, संगीत भी जो है वो एक क्यूरेटेड और ऑर्गेनाइज्ड, एक सुसंस्कृत शोर ही तो है। मंगलेश जी की कविता है कि जो कुछ भी था जहाँ तहाँ बिखरा हुआ शोर की तरह, उसे ही लिखता हूँ मैं संगीत की तरह। तो शोर ही है जो एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर कर संगीत में बदल जाता है। शोर का संगीत में बदलना, ये जो मेटामॉर्फोसिस है, ये है हमारा अभीष्ट, ये है हमारा लक्ष्य। और मुझे लगता है कि ये अतियुक्ति नहीं है और अपनी प्रशंसा नहीं है कि ये नाटकों से होता तो है। मेरा शोर मेरे नाटकों के संगीत में बदलता है। और हम लोग संगीत पर बहुत माथापच्ची करते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं। मुझे संगीत का काम बहुत अच्छा लगता है। आप नृत्य नाटिका ज़्यादा प्रेफर करते हैं? नृत्य नाटिका तो एक बहाना है, मुझे बनारस के संगीत में रमे रहने का मौका चाहिए। राम की शक्ति पूजा, कामायनी, रश्मि रथी, पंचरात्रम, ये सब बहानों के नाम हैं। मुझे अपना गाना बजाना बहुत पसंद है। बनारस की गायकी, बनारस का तबला, बनारस की चाल जो है वो भी बहुत पसंद है। एक ही राग है, उसको बरतने का बनारस का जो अंदाज़ है, और बनारस से मुख्तलिफ जो दूसरे घराने हैं उनका जो अंदाज़ है। बनारस में बोल बांट का काम बहुत है, उपज का, जो है उसी के भीतर नए नए घर देखने का। ये एक दिया हुआ
राग है, ये एक प्रदत्त भाषा है, ये एक उपलब्ध जीवन है। इसी जीवन के भीतर नए नए प्रकोष्ठों के आविष्कार का, उनको देख लेने का, सब कुछ जो है नावीन्य, ताजगी, नयापन, वो है, हम उसको देख नहीं पाते। बनारस देखना सिखाता है, बनारस के पास देखने की तहजीब है, देखने की जिज्ञासा है। मेरे ख्याल से हम लोगों को थोड़ा बहुत उसका भान है, और जो नहीं है वो यहाँ रहते रहते यहाँ के शोर में, यहाँ की गालियों में, यहाँ के मंत्रोच्चारण में, यहाँ के सब कुछ में डूब जाने से, एकदम लिथड़ जाने से आगे मिलेगा। जो है वो तो है, और जो नहीं है वो मिलेगा। किसी उम्मीद पर काम करते चले जाना है, और जीना भी एक काम है। 300 साल पुराना घर है ये। हाँ, लगभग। आपकी सबसे पहली याद क्या है इस घर में? मेरी सबसे पहली याद इस घर की ये है कि मैं अपनी माँ के साथ तिपहिया रिक्शे पर बैठकर, जिसे एक आदमी चलाता है, यहाँ आया गली के मुहाने पर, और वहाँ से दौड़ता हुआ किसी पागल लहर की तरह अपनी नानी से, जो घर के बाहर निकल के मेरा इंतज़ार करती रहती थी, उससे टकरा गया। बिल्कुल पागल लहर जैसे चट्टान से भी न टकराती होगी, वैसे मैं अपनी नानी के सीने से टकरा जाता था। आज मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी नानी गिर क्यों नहीं जाती थी। वो गिरती नहीं थी, और ये घर भी नानी का घर है, मेरे पिता का घर नहीं है। बनारस के मुहावरे में कहें तो ये मेरे बाप का घर नहीं है, मेरे नाना और मेरी नानी का घर है। तो नानी का घर है, तो मैं अपने आप को यत किंचित अतिथि भी समझता हूँ, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मेरा नहीं है। मतलब वो अधिकार भावना नहीं है मेरे भीतर। दरअसल अधिकार भावना मेरे भीतर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति कम ही है। तो इसको सहेज संभाल सकूं, इसको बचा सकूं, और सिर्फ घर नाम की एक निर्जीव निष्क्रिय इमारत को नहीं, घर के स्पंदनों को, आइडिया ऑफ होम को बचा सकूं, उसके लिए कुछ कर सकूं, घर की परंपरा को, क्योंकि ये सब संस्थाएं हैं तो बड़े खतरे में। घर, परिवार, समाज, मोहल्ला, इनको बचाना, इनको रेस्क्यू करना हर जागरूक और संवेदनशील नागरिक की जिम्मेदारी है। लेखक वगैरह तो बाद में आता है। तो आपके दिन की शुरुआत यहीं से होती है? हाँ, दिन की शुरुआत भी यहीं से होती है, और इन दिनों दिन का अंत भी यहीं होता है। कभी हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वैसे मैं देर में उठने वाला व्यक्ति हूँ, और यहीं पर हम लोग अपना काम काज करते हैं। लोहटिया इस मोहल्ले का नाम है, और इसी मोहल्ले का एक और नाम है, बड़ा गणेश। यहाँ बड़ा गणेश का बहुत प्रसिद्ध और बहुत सुरम्य मंदिर है। मेरे नाना बड़ा गणेश मंदिर के पुजारी थे, तो उस मंदिर से मेरा एक अलग ही नेह नाता है। मुझे खुद में गणेश जी की छवि दिखाई देती है, मैं उन्हीं की तरह मोटा, उन्हीं की तरह मातृभक्त, उन्हीं की तरह एक जगह पर बैठा हुआ, उन्हीं की तरह माँ बाप की परिक्रमा को ही संसार की परिक्रमा मान लेने की चालाकी से लैस एक व्यक्ति हूँ। तो गणेश जी मेरे फेवरेट हैं। गणेश जी पर मैंने समय समय पर कुछ लिखा है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 4 तारीख को बनारस का एक स्थानीय लोक पर्व है गणेश चौथ नाम का। उस दिन माताएं अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रहती हैं, और बहुत लंबी लंबी कतार लगाकर बड़ा गणेश जी महाराज के दर्शन करने आती हैं। उस दिन हम लोगों का मोहल्ला चारों तरफ से बिल्कुल बंद हो जाता है। पुलिस जो है सारे रास्ते रोक देती है, ताकि दर्शन करने आने वाली स्त्रियों को कोई असुविधा न हो, और तरह तरह के फलों की बड़ा गणेश जी महाराज को अर्पित करने वाले
फलों की, पूजा की सामग्री की दुकानें लगती हैं। इतना रंग बिरंगा मेला होता है। नारंगी का रंग कुछ और है, केले का कुछ और है, काले वाले अंगूर का रंग काला है, हरा अंगूर है, कपित भगवान को चढ़ाया जाता है, वो है ना, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। तो पसंद तो बहुत है गणेश जी महाराज को खाना पीना, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं गणेश जी से मेरा बहुत लाग डांट का रिश्ता है। तो मैं और गणेश जी की जो प्रतिमा है, मैं आपको ले चलता हूँ गणेश जी, वो ऐसे किए हुए हैं, एक अपनी बाई ओर मानो देख रहे हैं। तो उस प्रतिमा में भी जो टेढ़ापन है वो भी मुझे बहुत पसंद है। खूब बड़ा सा मुकुट लगाते हैं, खूब बड़ी सी उनकी तोंद है, उचित ही उनको लंबोदर कहा जाता है। और रिद्धि सिद्धि उनके बगल में खड़ी हैं, पंखा झल रही हैं, और चूहे जी महाराज न जाने कहाँ छुप गए हैं गणेश जी के नीचे, जो उनके वाहन हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं। रमेश जी, JNU में एडमिशन लिया था आपने, उस जगह को बहुत आदर से याद भी करते हैं आप, लेकिन आप वहाँ रहे नहीं, वापस आ गए। BHU के साथ भी हुआ ऐसा, रहे नहीं, वापस आ गए, पढ़े नहीं। क्या चल रहा था उस समय जीवन में? कुछ नहीं, कुछ चल रहा हो ऐसा नहीं था। माँ चल रही थी, वो माँ का समय था जो मुझे अपना समय लगता था। मुझे, मेरे दिल को ये बात पता ही नहीं थी कि मैं माँ के बगैर रह ही नहीं सकता। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जाने के बाद मेरे भीतर का ममाज बॉय जो है बिल्कुल जाग उठा, और मैं थोड़ा बहुत रणछोड़ दास हूँ भी। मुख्य मोर्चे से पीछे हटना, कामायनी के काव्य नायक मनु की तरह समस्या का सामना करने से बचना, हो सके तो छोड़ के भाग जाना, ये मेरी नियति में और मेरे स्वभाव में शामिल है। कुछ तो इस वजह से, और कुछ इस वजह से कि JNU की जो तस्वीर मेरे मन में थी, वहाँ जाके मुझे पता चला कि थोड़ी सी फ़र्क चीज़ देखने को मिल रही है। मसलन कविता के लिए उनका नज़रिया जो था, कविता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों और एक्टिविस्ट्स के लिए आंदोलन का हथियार थी, और मेरे लिए कविता जो है वो जीवन की सच्चाई, समूचे अर्थ से इति तक फैले हुए जीवन रूपी महाकाव्य का रिफ्लेक्शन है, जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। प्रेम है, बहिर्गमन है, संस्थापन है, विस्थापन है, मृत्यु है, मोह माया मद मत्सर, क्रोध है, एक हल्की सी स्मृति भी है। और JNU में कविता सिर्फ नारे की शक्ल ले चुकी है, आंदोलन का सूत्र वाक्य बन चुकी है, तो क्रांतिकारी वाम की ये सूझ जो है, इसकी नैतिकता पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये इसमें अव्याप्ति का दोष है। ये कविता को एक तरह की यूज़फुल कमोडिटी में बदलने की भूल गलती है। तो क्रांतिकारी वाम के अतिचार के कारण JNU में मुझे एक तरह की सांसत होने लगी, और दक्षिण के तीरकों की वजह से BHU में मेरा मन नहीं लगा। तो कुल मिला जुला के हुआ ये कि ये दोनों विश्वविद्यालय मुझसे छूट गए, और मेरी माँ ने, जो मेरी अभिभावक, मेरी गुरु, मेरी सब कुछ थी, मुझे चीज़ों को छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित ही किया, हतोत्साहित नहीं किया। हाँ, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं वहाँ रहूँ जहाँ मेरा मन नहीं लगता। तो मैं छोड़ के चला आया बनारस, संकरी गलियों और लोगों के हो हल्ले के इसी मेले में, जो प्रशस्त पथों, चौड़ी सड़कों, हाईवेज और फ्लाईओवर्स के नए भारत से थोड़ा सा फर्क है, लाख विकास के बाद भी। तो मैं यहाँ आ गया। तो जो छूट गया वहाँ पे दिल्ली में, उसके छूटने का दुख है? कोई दुख नहीं है, हालांकि दिल्ली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मन में कोई दुख नहीं है। जो कि नहीं है, जैसे सुरुचि, उसका क्या गम, शमशेर बहादुर सिंह बता गए हैं हम लोगों से।
चला जाए? हाँ जी ठीक। चल ये देखिए मंदिर की गली कितनी गुलजार है, दंगो जमुनी अदब की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, मुसलमान भाई लोग बर्तन खरीद रहे हैं, ये प्रणाम कर दी। कुल्फी का सांचा बन रहा है, तब हम लोगों के जानने वाले लोग हैं, उन्हीं से सजा बजा है ये। आज हालांकि शनिवार है तो मंदिर का प्राइम डे नहीं है, गणेश जी का दर्शन करने का दिन वो है बुधवार। गणेश जी इधर की ओर हैं और इधर एक मंदिर है छोटा सा जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का, अभी तो बंद, आइए चलते हैं। पालगी रमेश जी, हम बात कर रहे थे कि मनुष्य विपदा के समय अपने पिता की ओर देखता है, लेकिन हम जब आपको अपने अतीत में जाते हुए देखते हैं तो हम आपको माँ की ओर देखता हुआ पाते हैं। आपके और आपकी माँ में कैसा संबंध था? माँ मेरे लिए सब कुछ थी, पिता भी वही थी। पिता की ओर देखने के तर्क से मैं देखता तो उन्हीं को देखता। मैंने 4 बरस की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। मैं अपनी माँ और उनकी माँ अपनी नानी अपने नाना की गोद में पला हुआ एक बेटा हूँ, और मेरे नाना इन्हीं हम लोगों के आराध्य बड़ा गणेश जी महाराज के पुजारी थे। यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं, ये सब लोग उनकी सरपरस्ती में उनके सानिध्य में इस मंदिर से वर्षों से जुड़े हुए हैं। बड़ा गणेश जी महाराज महादेव के बेटे हैं, शिव और पार्वती की संतान प्यारी सी, इसी मंदिर का अन्न खा के हमारा भरण पोषण हुआ है। और एक समय के बाद जब माँ ने पढ़ाई लिखाई कर ली, उनका स्वाभिमान एक निश्चित स्तर से ऊपर उठ गया, पढ़ाई लिखाई आपको स्वाभिमान भी देती है, तो फिर मंदिर के पूजा पाठ से हमारा संबंध कम हो गया। मंदिर में दर्शन पूजन हमारा कम नहीं हुआ, लेकिन जो व्यवसाय के तौर पर आजीविका के माध्यम के तौर पे मेरा परिवार मंदिर पे आश्रित था, वो चीज़ पूरी हो गई, अपनी तार्किक परिणति तक पहुँच गई। नाना भी दुनिया में नहीं रहे, एक वक्त ऐसा आया कि नानी भी दुनिया में नहीं रही, आगे चलकर एक वक्त ऐसा भी आया जब माँ भी हमें छोड़ के चली गई, तब बचा यही बड़ा गणेश जी महाराज। यही एक ऐसी छवि जो ईश्वर से भी बढ़ के है हमारे लिए, मतलब मनुष्य और ईश्वर के बीच की जो दुविधा है, और एक आधुनिक लेखक होते हुए आस्तिक होने का जो संकट है उसका मैं सामना करता हूँ सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि मैं इन्हें बहुत प्यार करता हूँ, हर पल पाता हूँ कि ये मेरे साथ हैं। तो ये हैं जैसे माँ हैं, ना हो के भी
जैसे नाना और नानी हैं ना हो के भी, और जैसे हमारे कविता के संस्कृति कर्म के थिएटर के पूर्वज हैं, जो बेशक दुनिया में नहीं हैं लेकिन हमारी सर्जनात्मकता में, हमारी विचार सरणी में, हमारे लिखे में, हमारे सोचे में, हमारे कहे में, हमारे कामकाज में बिल्कुल 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 मौजूद हैं। माँ ने एक स्त्री की तरह सोचना सीखा इसी मोहल्ले में रहते हुए, एक स्त्री की तरह लड़ना सीखा इसी शहर में रहते हुए, एक स्त्री की तरह पालना सीखा अपनी संततियों को, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को धारण करना सीखा यहीं रहते हुए। तो मैं, माँ, मेरा परिवार, बड़ा गणेश जी महाराज, हिंदी साहित्य, इन सबको एक दूसरे में मिला दीजिए, इन सब के जल को, और तब जो रसायन तैयार हो, हम शायद उसी पर बातचीत कर रहे हैं। और इसका एक सिरा कहीं दूर से जा करके नागरी प्रचारणी सभा से भी मिलता है। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी की सबसे पुरानी संस्था, जो पिछले कई दशकों से बहुत खराब प्रबंध का शिकार रही, वहाँ पर हम लोगों ने बाकायदा संघर्ष करके, लामबंदी करके, प्रशासन को और हाईकोर्ट को बाध्य करके चुनाव करवाए, चुनाव जीते, और अब आज की तारीख में उस संस्था को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गणेश जी महाराज से होते हुए ये रास्ता अब नागरी प्रचारणी सभा की ओर जाता है खुद ब खुद, हम लोग चाहें तो वहाँ चल सकते हैं। नागरी प्रचारिणी जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से आपकी माँ की ओर लाना चाहती हूँ। आप अभी जैसे हैं और जैसा होना चाहते हैं, उसमें आपकी माँ कितनी है, उनका कितना योगदान है? साथ ही आप बताते हैं कि आप अपने चारों तरफ महिलाओं से घिरे हुए थे, इन नानी से, माँ से, तो इनका, इन्होंने आपको कितना प्रभावित किया? मैं अपने बचपन पर, अपनी माँ पर इन दिनों एक किताब लिख रहा हूँ, और उसमें मैंने ये बात लिखी है। कृति, मेरी जन्म कुंडली जो है, मेरी जन्म कुंडली बनी है जो, उसमें ये लिखा है कि जातक के पालन पोषण में उसकी माँ के बराबर, उसकी माँ के अलावा एक स्त्री का योगदान होगा। तो वो स्त्री मेरी नानी थी। माँ और नानी ने, मौसियों ने और मामियों ने मिल के मुझे पाला है। उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे सड़कें पार करना सिखाया है, मुझे भूखा नहीं रहने दिया, मुझे रोने नहीं दिया, मेरे आंसू पोछे, मुझे किसी की याद नहीं आई, मेरे भीतर अभाव नहीं पैदा हुआ, विभाव ही विभाव रहे हमेशा। ये सब स्त्रियों की वजह से संभव हुआ। माँ उसमें भी केंद्रीय हैं। मुझे तो लगता है कि मैं ही माँ हूँ। मैं माँ को अपने से अलग करके माँ की भूमिका का आकलन कर ही नहीं सकता। माफ़ कीजिए, मैं आपके इस सवाल का कोई बहुत सुंदर उत्तर नहीं दे पाऊँगा। जब मैं ही माँ हूँ तो मैं माँ को अपने से अलग करके कैसे देखूँ? ये मुझ अकेले की दुविधा हो सकती है। मैंने, आपको पता है, जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डरता था वो थी माँ की मृत्यु। माँ नहीं होंगी तो क्या होगा, ये संसार कैसे चलेगा? और माँ की मृत्यु के क्षण का मैंने इतने निर्भय निस्संग शिल्प में सामना किया कि खुद अपने ही साहस पर मैं चकित हो गया, मैं दंग हो गया कि मेरे भीतर ये हिम्मत आई कहाँ से। माँ अब दुनिया में नहीं है, निश्चेष्ट होकर मेरी आंखों के सामने पड़ी हुई हैं, और मैं देख रहा हूँ, मैं लोगों को ढांढस बंधा रहा हूँ, मैं दूसरे दुखी लोगों के आंसू पोंछ रहा हूँ कि घबराओ मत, चिंता मत करो, मैं माँ की अंतिम यात्रा की योजना बना रहा हूँ, अखबार के लिए विज्ञप्ति लिख रहा हूँ कि डॉक्टर शकुंतला शुक्ल नहीं रही, ये मैं ही हूँ। जी हाँ, वो मैं ही था, क्योंकि डॉक्टर शकुंतला शुक्ल व्योमेश शुक्ल के भीतर घुस गई थी,
उनमें लय हो गई थी। वो पंक्ति है ना राम की शक्ति पूजा की, होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो माँ की शक्ति मुझ में लीन हो गई। तो जैसे दो चीज़ें एक दूसरे में घुल जाती हैं, वैसे माँ मुझ में घुल गई हैं। माँ होती तो वही होता जो आज है, और माँ होती तो वही होगा जो मैं करना चाहता हूँ। और हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। चलिए नागरी प्रचारणी में चलिए चलिए चलते। भारतेंदु ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं उस जगह का नाम नागरी प्रचारिणी सभा है, और इसी जगह पर हिंदी साहित्य और व्याकरण की नियम और शर्तें तय की गई थी। अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुए हैं और व्योमेश जी यहाँ के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। व्योमेश जी, अब से भविष्य में इस संस्था के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? गालिब का शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजार योजनाएं हैं मन में, संस्था की हालत बहुत खस्ता है, और मेरी उम्र का बहुत सारा समय इसके लिए संघर्ष करने में खप गया है, मुकदमेबाजी आदि में। प्रायः 1947 के बाद से संस्था के प्रबंध पर इतने बीहड़ ढंग से भारत की राजनीति में शामिल कुछ लोगों ने कब्जा जमाया हुआ था कि जो सारा साहित्यिक उत्थान था उस कब्जे की भेंट चढ़ गया। एक समय था जब हिंदी का पहला प्रामाणिक शब्दकोश हिंदी शब्द सागर के नाम से यहीं तैयार हुआ। यहाँ के अनुसंधित्सुओं ने, रिसर्चर्स ने पूरे देश में घूम घूम कर हस्तलिखित हिंदी ग्रंथ इकट्ठा किए। उसे हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज का अभियान कहा गया था, और उसके विवरण, उनकी रिपोर्ट्स नागरी प्रचारिणी सभा ने एक ज़माने में प्रकाशित की थी। उसकी कॉपी इस इमारत में, जिसका नाम आर्य भाषा पुस्तकालय है और जो नागरी प्रचारिणी सभा का हिस्सा है, में मौजूद है। सवाल है कि हस्तलिखित हिंदी ग्रंथ, उनका डेटा भोजपत्र, ताम्रपत्र, कागज़ पर लिखी हुई पांडुलिपियाँ, पुराने दुर्लभ ग्रंथ संस्कृत के, पाली प्राकृत अपभ्रंश के, हिंदी के, और हिंदी का 75 बरस पहले तक का आधुनिक साहित्य, ये सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब है। जो लोग संस्था में थे उन्होंने सब कुछ का बंटा धार कर दिया है। तो एक तरह से मोहन राकेश की कहानी है एक, उसका शीर्षक है मलबे का मालिक। तो मुझे उत्तराधिकार में मलबा मिला है, अब इसको क्यूरेट करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो सबसे पहला काम जो समझ में आता है वो है पांडुलिपियों का जीर्णोद्धार, पांडुलिपियों की मरम्मत, उनका डिजिटाइजेशन, उनका डेटाबेस तैयार करवाना। और इसके लिए नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट से, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक निकाय है, हम लोगों की बातचीत फाइनल हो गई है। MOU बस अभी साइन होने वाला है। तो लाइब्रेरी का ताला खुलते ही जो पहला काम होगा वो होगा पांडुलिपियों के संरक्षण का। उसके लिए बाकायदा 45 दिनों की एक वर्कशॉप चलेगी, और 30 नौजवानों को, नवयुवतियों को ट्रेंड किया जाएगा पांडुलिपि के संरक्षण में। और मैं चाहूँगा कि वो सभा में इंटर्न की तरह काम करें, और पांडुलिपियों के काम को अपना काम मानते हुए, कोई सरकारी काम, भाषा का काम नहीं, उनके अपने स्वत्व की रक्षा का काम मानते हुए वो लोग अंजाम दें। मैं उसकी निगहबानी करूँगा, चौकीदारी करूँगा। तो पहला पांडुलिपियों का संरक्षण, दूसरा काम दुर्लभ हिंदी के ग्रंथों का संरक्षण, और तीसरा काम, सभा के जो प्रकाशन थे वो बहुत मूल्यवान थे,
मैं शुरू में ही कहे आया हूँ, हिंदी शब्द सागर यहाँ से छपा, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास यहाँ से छपा, एक विश्वकोश हमने तैयार किया था वो प्रकाशित हुआ, उसके अलावा महान भक्त कवियों की ग्रंथावलियाँ सबसे पहले हमने छापी, तुलसी ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली। आपको पता है तुलसी ग्रंथावली का जो पहला खंड है वो उसमें रामचरितमानस प्रकाशित हुई है। रामचरितमानस का लोकप्रिय प्रकाशन है गीता प्रेस गोरखपुर वाला, वो कांडवार विभाजन किया गया है, बालकांड, अयोध्या कांड, ऐसे आगे बढ़ती है कथा उत्तरकांड तक, सात कांडों में। और हमारे यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादन में जो रामचरितमानस प्रकाशित है उसमें सोपान कहा गया है कांडों को, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, ऐसे। तो सभा के प्रकाशन डिस्टिंक्ट हैं, एक मुख्तलिफ उनका किरदार है। और सभा में अगर सब कुछ सही रहा आया होता तो सभा के प्रकाशनों की आज वही प्रतिष्ठा होती जो गीता प्रेस के प्रकाशनों की है। उस प्रतिष्ठा का पुनर्वास करना, उसमें धन का, लोगों का, विशेषज्ञता का निवेश करना, अपने प्रकाशनों को हिंदी की नौजवान पीढ़ी तक ले जाना, उसका प्रचार करना, ये काम नई चुनी गई प्रबंध कमेटी का है जिसका मुखिया मैं हूँ, और मैं नैतिक रूप से इसके लिए तैयार हूँ, करूँगा। हमारा जो ये इमारतों वाला ढांचा है ये भी थोड़ा सा जीर्ण जर्जर हो गया है, इमारतों पर मेरा बहुत यकीन नहीं है, लेकिन इसको भी सुंदर होना चाहिए हिंदी की गरिमा के अनुरूप। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, हमारा हरिद्वार और दिल्ली में भी कैंपस है, संस्था का इतिहास लिखा जाए, नागरी प्रचारणी सभा का कोई बेहतर प्रोफाइल नहीं है हमारे पास। सभा का इतिहास, कैसे शुरू हुई ये संस्था, 1885 में भारतेंदु बाबू के निधन के बाद वो कौन सी खला थी, कौन सी रिक्ति थी, कैसा वो ज़ीरो पैदा हो गया था समाज में, संस्कृति के संसार में, जिसको भरने के लिए स्वयं भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास को आगे आना पड़ा और उन्होंने इस संस्था का सभापति का आसन स्वीकार किया। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र ने, इंटरमीडिएट के तीन छात्रों ने मिल के ये संस्था बनाई। हम लोग पढ़ते हैं हिंदी की कक्षाओं में। तो उसके बाद प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए 1943 में अपने 50 बरस इस संस्था ने पूरे किए, लेकिन वहीं किसी की नज़र लग गई मानो। 43 के बाद इस संस्था का इतिहास उतना गौरवशाली नहीं है, बल्कि कई बार तो बहुत शर्मिंदा कर देने वाला है। मतलब कुछ लोगों ने तो इसको, मतलब इसको जैसे का तैसा बना के छोड़ दिया। बहरहाल वो दुर्दिन बीत गए हैं, और अगर नया भारत कुछ लोगों का संकल्प है तो मेरा संकल्प है नई नागरी प्रचारणी सभा। अब किया जाएगा आप सब लोगों की मदद से। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये सभी छात्रों और सभी हिंदी प्रेमियों के लिए जगह खुली होगी। बिल्कुल खुलेगी। और कृति, मेरा तो ये कहना है ना कि बड़ा काम जो है अकेले नहीं किया जाता। मैं ये बात वहाँ भी कह रहा था, फिर से दोहराऊँगा कि अकेले किया तो क्या किया, रचना भी एकांतिक गतिविधि नहीं है, वो भी समूह का कारनामा है। और यहाँ तो वाकई बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, तो सब लोग मिलके हाथ लगाएंगे तो ये गाड़ी भी चल निकलेगी एक बार, और इससे हिंदी का ही आत्मसम्मान बढ़ना है और तो क्या। 1943 की बात कर रहे थे आप, 1943 से जुड़ी एक कहानी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कई हस्तलिखित पांडुलिपियों को एक काल पात्र में डाल के उधर है चबूतरा वहाँ पे गड़वा दिया था। ये कहानी बहुत जादुई सी लगती है, ऐसा लगता है कि दंत कथा होगी ये, शायद सच ना हो। आपको इस कहानी के बारे में कहाँ से पता चला? सभा ने इस घटना के जो 1943 में हुई थी, 10 बरस बाद 1953 में हीरक जयंती ग्रंथ प्रकाशित किया था, उसमें इस घटना के सिलसिले लिखे हुए हैं। तो मैं वो जो कहानी सुनाता हूँ वो लिखित कहानी है, बिल्कुल प्रामाणिक है। वो इतनी खूबसूरत है कि हमको जादुई सी और अनहुई सी लगती है
जैसे ऐसा हुआ ही ना हो, लेकिन ये वाकई हुआ है। इस संस्था का 50 वर्षों का कामकाज, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स, खोज का विवरण, सब कुछ एक ताल पात्र में धातु के बड़े से बर्तन में करके रखा गया और कालपात्र का मुंह बंद करके उस जगह पर, बिल्कुल उस जगह पर जहां पर 1893 में महामना मदन मोहन मालवीय ने सभा का शिलान्यास किया था, वहीं पर गाड़ दिया गया समारोह पूर्वक। अब मेरी तो ख्वाहिश ये है कि उस कालपात्र को एक बार निकाला जाए, अतीत के प्रेतों को जीवित किया जाए और आज जो स्टॉक इस लाइब्रेरी में है उससे उसको मिलाया जाए और जो चीज़ें गायब हुई हैं, ये अपराध है बौद्धिक संपदा की चोरी का, उसके लिए जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ बाकायदा FIR की जाए और उनको भेजा जाए जेल। अब जहाँ तक संकल्प साथ देगा मैं ये काम करूँगा ज़रूर। हिंदी के हित में काम आने वाला एक भी रुपया अगर चोरी हुआ है तो उस चोरी को रोकना, उस चोरी की शिकायत करना मेरी जिम्मेदारी है और मेरा ऐसा आरोप है कि नागरी प्रचारणी सभा में करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला पहले हुआ है, तो वो सब उसकी सोशल ऑडिट, ये नहीं कि ये कोई कानूनी मामला है, ये संस्था समाज की है, सरकार की संस्था नहीं है, तो समाज को जागरूक और संवेदनशील बन के आगे आना हो। आइए चलिए एक बार वो उस चबूतरे के पास चलते हैं। चलिए आइए, मैं दिखाना चाहते हैं वो चबूतरा। हाँ, सुंदर सा चबूतरा है, यही है वो शिलान्यास वाला चबूतर मालवीय जी महाराज। इस स्थल पर नागरी प्रचारणी सभा काशी के नवीन भवन का शिलान्यास संस्कार माघ शुक्ल 5 संवत 1985 विक्रमी को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। नवीन भवन यानी ये पुस्तकालय वाला भवन, तो इसी जगह के नीचे वो कालपात्र, इसी के नीचे वो कालपात्र रखा हुआ है। अभी आप समूह की बात कर रहे थे कि कोई भी जो बड़ा काम होता है वो अकेले संभव नहीं होता है, समूह में ही संभव होता है। दो सवाल है, अभी तक जो भी आप कर पाए हैं इस जगह के लिए, तो उसमें किस तरह के लोगों का समूह था जो आपके साथ खड़ा था, और अगर अब इस समय लोग अपनी इच्छा से भागीदारी दें इस संस्था को फिर से खड़ा करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरह की सहायता की उम्मीद है आपको लोगों से? तरह तरह के लोगों ने समय समय पर मेरा साथ दिया है और मैं सबके लिए बहुत कृतज्ञ और नतशिर हूँ। जो भी लोग यथास्थिति के खिलाफ थे, जो चाहते थे कि किसी भी कीमत पर इस संस्था की जड़ता और गतिरोध को तोड़ दिया जाना चाहिए, उन लोगों ने मेरा साथ दिया। उसमें मेरे दोस्त भी हैं और मेरे परिचित भी हैं और नितान्त अपरिचित लोगों का एक बहुत बड़ा संसार भी है, जिसको जिसको जब जब जहाँ से पता लगा कि सभा के खिलाफ मुकदमेबाजी आदि से हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, उसने निःशंक हो करके बिना कोई शंका किए, बगैर कोई शको शुभे के हमारा साथ दिया और ये एक बहुत बड़ी विजय है। यूँ ही विजय तो मिल गई, दायित्व भी हमारे पास आ गया, लेकिन अब मुझे लगता है कृति कि बड़ी जिम्मेदारी अब शुरू होती है। संघर्ष तो पूरा हो गया, रचना का काम अब शुरू होता है और वो काम ऐसे है कि पूरे परिसर का पुनर्नवीकरण, उसका निर्माण, उसमें नई नई चीज़ों का अभिनिवेश, लाइब्रेरी का सुधार, सदस्यता का सुधार, सभा के नई दिल्ली और हरिद्वार वाले कैंपस का सुधार, इन सब कामों के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है। मूलभूत बात यह है, पैसा मुझे पता है मिल जाएगा। हिंदी के लोगों ने और कुछ किया हो या न किया हो, पैसे पिछले 30 साल में खूब कमाए हैं और मुझे पता है कि हिंदी का हृदय इतना अनुदार नहीं है कि वो पैसे से कोई काम हिंदी का रुक जाने दे।
हम ये चाहते हैं कि बहुत सांस्थानिक समर्थन हमें न लेना पड़े और छोटी छोटी राशियों से जन समर्थन से हमारा काम बन जाए। अगर ऐसा होगा तो ठीक, और नहीं होगा तो दूसरे विकल्प भी हैं। इस संस्था का निर्माण पहली शर्त है, और उस शर्त में हमारे साथ बहुत सारे लोग पाबंद हैं। हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी में बोलने पढ़ने लिखने सोचने वाले लोग, संवेदनशील समाज। देखिए, जो आपका साथ नहीं देगा उसका जिक्र भी क्या करना, जो आपका साथ दे रहा है और मरते दम तक देगा वो ना आपका मित्र है। तो ऐसे बहुत बड़ा मित्र मंडल हम लोगों ने बना लिया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है, वो मित्र मंडल कहाँ से काम आता है। अब एक बड़ी फौज इंटर्न्स की चाहिए हमें, लाइब्रेरी में काम करने के लिए, प्रकाशन विभाग में काम करने के लिए। एक कुर्सी भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखनी है तो सभा के पास उसके लिए स्टाफ नहीं है, जो है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसको मदद की ज़रूरत है, वो तो खुद ही सताया हुआ है, वो हमारे लिए काम क्या खा के करेगा। तो कुल मिला के पूरा का पूरा एक पुनर्निर्माण अभियान चलाना है यहाँ पे, अपने सामने की नाली से उत्तरी ध्रुव तक मानो, तो हम करेंगे उसको शक्ति भर, और लोगों को इकट्ठा भी करेंगे। हमारे बाद कोई और करेगा, हमारे साथ साथ भी और लोग करेंगे। ललन टॉप के एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि हिंदी का कवि ये भूल चुका है कि वह जनता का अनिर्वाचित प्रतिनिधि होता है। क्या आप खुद को जनता का अनिर्वाचित प्रतिनिधि मानते हैं, और इस समय हिंदी में वो कौन कौन से लोग हैं जो खुद को यह मानते हैं और इस भूमिका में काम कर रहे हैं? कृति, अनइलेक्टेड क्या, मैं तो खुद को जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि मानता हूँ। नागरी प्रचारिणी सभा का एक बहुत मुश्किल चुनाव, जो हाईकोर्ट के आदेश पर ज़िला प्रशासन की ओर से कराया जा रहा था, और जिसमें ज़िले क्या पूरे देश भर की अच्छी बुरी ताकतें लगी हुई थीं, कुछ मेरे पक्ष में कुछ मेरे खिलाफ, मैं वो चुनाव जीत के इस संस्था का प्रतिनिधि बना हूँ। तो मैं तो अभिधा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और कवि भी हूँ जैसा तैसा। तो जनता की आत्मा का, आत्मज, आत्मा से उत्पन्न जो है, वो प्रतिनिधि हो, जनता का शिष्य हो, जनता का आलोचक हो, जैसा कि रघुवीर सहाय अपनी कविता में कहते थे, एक मेरी मुश्किल है जनता जिससे मुझे नफरत है, सच्ची और निसंग। तो जनता से नफरत का कथन करते हुए दरअसल जनता के लिए अपने प्यार का ही इजहार कर रहे हैं रघुवीर जी। बहुत प्यार की ज़रूरत है जनता को, जनता के सरोकारों को बहुत पुष्पित पल्लवित करने की ज़रूरत है दरअसल। वो काम कवि करता ही है अपने अपने ढंग से। मैं ये क्यों कहूँ कि कौन कवि वाकई जनता का प्रतिनिधि है और कौन नहीं है, अनइलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो, इलेक्टेड तो जाहिर है कि कोई नहीं है, वो तो राजनेता हैं हमारे प्रतिनिधि, राजपुरुष जिन्हें कहा जाए, उनसे हमारी अपेक्षाएं कुछ दूसरे किस्म की हैं। लेकिन कवियों से हमें खास तरह के कोड ऑफ कंडक्ट की उम्मीद करते हैं कि वो एक तो कविता लिखता होगा, कविता की शर्त पे ज़िंदगी जीता होगा, और ज़िंदगी की शर्त पे कविता लिखता होगा, और दूसरे जिस सब्जेक्ट की बात वो अपनी कविता में करता है, जो विषय अपनी कविता के ज़रिए उठाता है, उन विषयों को लेकर के कविता के बाहर वो कितना ईमानदार है, और इस ईमानदारी की जांच का कोई पैमाना हमारे पास नहीं है। जो हमें पता है वो हमारे ज्ञान की सीमा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अशोक वाजपेयी का जो अभियानात्मक चेहरा है वो बहुत पसंद है। कभी वो आलोचना लिखते हैं, कभी पत्रिका का संपादन करते हैं, कभी भारत भवन जैसे विशाल प्रकल्प का प्रबंध करते हैं, उसे संभव बनाते हैं भारत की ज़मीन पर,
भारत की आबो हवा में जो अब एक असंभव चीज़ लगती है, एक ऐसा संस्थान जिसके न्यासी हों मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, मणिकौल जैसे मूर्धन्य अब तो असंभव ही हो गया लगता है। वैसे बहुत सारे कवि पसंद हैं, मुझे धूमिल बहुत पसंद है। धूमिल के पास राजशक्ति नहीं थी जैसी कि अशोक जी के पास थी, लेकिन धूमिल जनता के प्रतिनिधि थे, खेवली के सरपंच जैसा आचरण था उनका और वो जनता से जुड़े हुए थे। वो 70 से 74 तक अपने जीवन के आखिरी 4 सालों में वो मित्रों के छोटे से क्लब से बाहर निकल के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नौजवानी से, बनारस की साधारण जनता से, पत्रकारिता में राजनीतिक सवालों में दिलचस्पी लेने वाले एक बड़े समूह से जुड़े हुए थे और उनकी बात करते थे। ये बांग्लादेश युद्ध के बाद की बात है। धूमिल पसंद है मुझे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जनता के आदमी थे। पर ये सारे लोग अब जा चुके हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग अभी वर्तमान में हैं, उपस्थित हैं। अगर आप ऐसे मुझसे पूछेंगे तो मैं तो अपना प्रतिनिधित्व का अधिकार जो है इस समय जो आवाज़ें सबसे प्रगल्भ हैं और सबसे प्रासंगिक, ताज़ा और उद्दाम हैं उनको दे देना चाहूँगा, यानी स्त्रियों को, आदिवासियों को और जो हिंदी की दलित कविता है उसको। बोलने का हक उनके पास है, बोलने का दौर उनका है। तो जैसे जसिंता केरकेट्टा हैं, अनुज लुगुन हैं, पार्वती तिर्की और बहुत सारे आदिवासी स्वर निर्मला पुतुल के कैनोनाइजेशन के बाद से हमारे बीच हैं और वो क्या कमाल का काम कर रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। वैसे ही स्त्री विमर्श में एक नया उभार आया हुआ है। जब स्त्रियां सिर्फ कविता या उपन्यासों के जरिए नहीं, हालांकि इनमें भी बहुत गुणवत्ता के साथ वो मौजूद हैं, आलोचनात्मक विमर्श में, कथेतर गद्य में, अपनी दूसरी सक्रियताओं में, कृति ये ऐसा समय है जब अभिनय में यानी रंगमंच में और रंगमंच में सिर्फ अभिनय में नहीं, निर्देशन में एक से बढ़ के एक लड़कियां अपना काम कर रही हैं। स्वयं मेरा समूह जो है वो लड़कियों का है जिसमें लड़कियां डोमिनेट करती हैं। मेरे समूह के बाहर जबलपुर में स्वाति दुबे हैं, बहुत बढ़िया निर्देशन कर रही हैं, बहुत बढ़िया समूह संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा अभिनय तो करती ही हैं वो। वैसे ही पूर्वा नरेश हैं जो बहुत कल्पनाशील निर्देशिका हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्नातक हैं, और नरेश सक्सेना जो हिंदी के मूर्धन्य कवि हैं उनकी बेटी हैं। लेकिन बेटी होने की कोई रियायत उन्होंने ना मांगी है ना समाज ने उन्हें दी है। प्रदर्शनकारी कलाओं में और ललित कलाओं में बहुत सारे स्त्री स्वर हैं जिनको ऐन इसी समय याद किया जाना चाहिए, जहाँ पर आप उम्मीद नहीं करते थे कि स्त्री होगी। सोशल मीडिया ने कविता लिखने के काम को प्रजातांत्रिक बनाया है, तो जहाँ प्रजातंत्र होगा वहाँ उसके प्रतिनिधि होंगे। सोशल मीडिया ने स्त्रियों के लिए, आदिवासियों के लिए एक जो दमित समाज था उसके लिए बहुत बड़ी जगह बनाई है। बहुत सारी कवि मूर्तियाँ टूटी हैं। आप याद कर सकते हैं कि नागार्जुन का जो महाकाय व्यक्तित्व था उसको गुनगुन थानवी के एक संस्मरण ने कैसे तार तार कर दिया। उसके लिए जो नैतिक बल चाहिए वो स्त्री के पास है। नागार्जुन की मूर्ति को छिन्न भिन्न कर देने का नैतिक साहस गुनगुन थानवी के पास है, इसलिए गुनगुन थानवी हमारी रिप्रेजेंटेटिव हैं। वैसे लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम तो एक संस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो काम हाथ में आएगा ये संकल्प ज़रूर है कि उसको अधिकतम संभव गुणवत्ता के साथ संपन्न करने की कोशिश करेंगे, ईमान के साथ। अभी मैं वो बात पूछूंगी जो अभी ब्रेक के टाइम पे मैंने आपसे पूछी थी। हम चाहे तो देखेंगे, हम इसको रखते हैं यानी, लेकिन फिर से वही बात है कि जैसे कभी कभी लगता है कि अंग्रेजी साहित्य में कवियों को इस बात की छूट मिल गई है कि भले ही वो जो भी लिखते हैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में अगर वो वैसे नहीं है तो उनकी कला को उस तरह से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, उनकी कला उनके व्यक्तिगत जीवन से बहुत मुक्त है, पर हिंदी में लगता है और एक पाठक के तौर पर मेरी भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने इस कवि को पढ़ के, उसकी कविताओं को पढ़ के अपने मन में जैसी इमेज बनाई है
वो व्यक्तिगत जीवन में भी वैसा ही होना चाहिए, और जब वो वैसा नहीं होता है ना तो चोट लगती है, ऐसा लगता है कि एक संसार था जो टूट गया है। एक पाठक के रूप में इसको कैसे देखा, मैं अब तक ये फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ कि जब मैं पढ़ रही हूँ किसी व्यक्ति की कविताएं मुझे पसंद हैं और वो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में ऐसा नहीं है, ये जानने के बाद मैं उस कविता को कैसे जज करूं, इसका मेरे पास कोई एक उचित रास्ता नहीं मिलता है। आप जब ऐसे किसी स्थान पर, ऐसे किसी मोड़ पर होते हैं तो क्या करते हैं? मेरी बात छोड़िए, मैं आपको बताऊं कि जो छूट आपने अंग्रेज़ी को दी वो छूट दरअसल एक ज़माने में अंग्रेज़ी में भी नहीं थी, न्यू क्रिटिसिज्म के ज़माने में टी एस एलियट ने ये कहा था कि आलोचक को कवि की लॉन्ड्री का बिल भी देखना चाहिए। पर टी एस एलियट फिर ये भी तो कहते थे कि कवि के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, एक जो महसूस करता है और एक जो लिखता है। हाँ, भोक्ता मन और सर्जक मन को अलग अलग कर दिया उन्होंने। कविता को पढ़ने की बहुत सारी पद्धतियाँ हो सकती हैं, पश्चिम में इस पर बहुत काम हुआ है, टेरी गल्टन की किताब ही है हाउ टू रीड ए पोएम। मेरा ध्यान कविता पढ़ते हुए कविता पर ही जाता है, ये मेरे अपने पठन की सीमा है, लेकिन मैं इस आदत को न सिर्फ समझता हूँ बल्कि उसकी बहुत इज्जत करता हूँ कि कवि की कविता उसके जीवन से सत्यापित होती है कि नहीं। मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। कवि को किस बात की रियायत दी जाए? अगर कविता तुमने अपनी ज़िंदगी की कमाई को होम करके नहीं लिखी है, कबीर की बात बार बार हो रही है आज सुबह से, कबीर ने कहा जो घर जा रहे अपना, घर जलाने की ताब नहीं है तो साथ क्यों चलने की कसम ली थी, घर जलाओ ना। तो एक जो मुक्तिबोधियन कर्स है, ये जो विफलता का शिल्प है कि हम हो सकता है जीवन में विफल हो जाएं, लेकिन जीवन की विफलता ही हमको कविता की सार्थकता तक ले जाएगी। होगा क्या, कविता में आप बहुत बड़े क्रांतिकारी होंगे, जीवन में यथास्थितिवादी होंगे, यही ना होगा? जीवन को बचा लेने के लिए, पैसे कमा लेने के लिए, संबंध की रक्षा कर लेने के लिए आप जीवन किसी और तरीके से जिएंगे और कविता में ऊंची ऊंची बातें करेंगे। तो क्यों कर रहे हो ऊंची बातें, मत करो। यहाँ ये कोटि मूल्यांकन की हमेशा रहेगी, रहेगी और रहेगी, इससे इनकार नहीं है। और मैं अपने तई ये परीक्षा देना चाहूँगा कि मेरा जीवन और मेरी कविता उसको जोड़ के देखा जाए। मैं पास होना चाहूँगा, मैं कोशिश करता हूँ उसकी, मैं दम्भोक्ति इसको न माना जाए, मैं कविता जैसा जीवन जीना चाहता हूँ। चूँकि आपने टेरी गल्टन की बात की तो मुझे याद आया कि आप एक समय था जब टेरी गल्टन एडवर्ड सईद नॉम चॉम्स्की को ट्रांसलेट कर रहे थे और काफ़ी उसमें आपका नाम भी हो रहा था, वो छोड़ क्यों दिया आपने? छोड़ा नहीं कृति, इस तरह से वो छात्र जीवन था एक अर्थ में, तो उस समय मेरे पास बहुत सारा अवकाश था और मेरा बहुत मन था पूर्णकालिक आलोचक बनने का, तो मैं आलोचक बनने की तैयारी के क्रम में इन लोगों को पढ़ रहा था। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिनका अनुवाद करने को जी हो आता था, तो मैंने उनका अनुवाद किया। अब अपना रंगसूम समूह चलाने की व्यस्तता, अपना लेखन उसको बचा लेने का काम, नागरी बचाने सभा की लड़ाई, यात्राएं, बोलने का काम, मुझे बोलने का भी शौक है, तो इन सब ने मिल के अनुवाद वाले काम को थोड़ा स्थिर कर दिया है। लेकिन बीच बीच में जब भी मौका मिलता है मैं कुछ कुछ करता हूँ। कविताओं के अनुवाद में मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि अनुवाद में कविता बदल जाती है। मतलब हो सकता है मेरे ही हाथ का मोटापा हो कि मेरे हाथ में आते ही कविता कुछ की कुछ हो जाती है, मेरी अपनी छिपी हुई कविता भी अनुदित कविता में से झांकने लगती है। तो मुझे लगता है कि आलोचनात्मक लेखन अगर चैलेंजिंग मिलेगा मुझे तो मैं उसका अनुवाद करूँगा। ये हम लोग आ गए वापस, ये मेरी बाइक है, खड़ी है। इसकी ख़ास बात ये है कि जो ये है सो है बेचारी, इसका नंबर नहीं है कोई, हम लोगों ने इसका नंबर नहीं लिया कभी,
प्रमादवश आलस्य में, हम नहीं है तुम नहीं है उसी के बिना चल रहा है, थोड़ा सा गैर कानूनी है लेकिन इतना जोखिम उठा लेता हूँ मैं। ये है, अरे यार क्या भैया, ये हम लोगों का दोस्त है रिभाव शुक्ला, ये जो चिल्ला रहा है ये बता, आओ आ गया। हाँ भैया 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 भैया, वो प्यूमा है, प्यूमा वो प्यूमा है, और ये जो लोगों को खिला रही हैं ये स्वाती है, राम की शक्ति पूजा में राम बन प्रणाम कीजिए। बस चुप हो जाओ, बस। कृति आपको पता है कि ये काले दरवाजे के उस पार हम लोगों का स्टूडियो है, हम लोगों की बड़ी परफॉर्मेंस स्पेस और बड़ी रिहर्सल स्पेस भी, और ये घर है, आप घर का परिचय रह गया था सुबह। तापस आओ, भैया आओ, मन्नु आओ, साखी आ जाओ। ये वाली जो जगह है जी, पहले इन्हीं से मिल लीजिए, ये तापस हैं, तापस, ये नंदिनी है, साखी आओ, साखी, ये लोग तापस मेरे बेटे हैं, मेरे शिष्य हैं, नंदिनी अफसोस सिर्फ मेरी शिष्या हैं, लेकिन आत्मीयता में लगाव में कोई कमी नहीं है, मेरे लिए तापस और नंदिनी बराबर। ये साखी हैं, साखी शुक्ला इनका पूरा नाम है, मेरी बेटी हैं, आगे आ जाओ। इन्होंने मेरा मोबाइल अपने हाथ में ले रखा है, दे दीजिए, मेरे पास एक और मोबाइल है, तो दो चश्मे दो फोन, हाँ दो चश्मा दो फोन। स्वाति फिर से आ गई हैं उधर दरवाज़ा बंद करके। ये वाली जो जगह है जहाँ ये लोग खड़े हैं, ये मेरी माँ के विद्यालय का ऑफिस है, जिसको हम लोगों ने आजकल यूं ही अभ्यागतों के बैठने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। यहाँ लोग बैठते हैं आके, खुली सी जगह है, छोटी सी, नाना नानी की तस्वीर है, नीचे रामलीला के भगवान जी हैं, राम जी, उधर हम लोगों को शील्ड्स वगैरह जो मिलती हैं सब इकट्ठा होती जा रही हैं, उसके अलमारी की छत पर लकड़ी की बहुत भारी अलमारी है, और ये एक छोटी लाइब्रेरी है हम लोगों की, जिसमें कुछ ग्रंथावलियाँ वगैरह रखी हैं। ये पूरी लाइब्रेरी नहीं है, ये तो जैसे थिएटर की वर्कशॉप, थिएटर प्रैक्टिशनर्स के लिए, हम लोगों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इकट्ठा किताबें हैं, लेकिन ये भी अब पर्याप्त हो गई हैं। यहाँ पे अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, रघुवीर सहाय, तमाम रचनावलियाँ, विवेकानंद जी का काम, नागरिक चरणी सभा का शब्द सागर, और हिंदी अंग्रेज़ी की तमाम किताबें यहाँ हैं, पत्रिकाओं के अंक हैं, यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, म्यूज़िकल सीटिंग्स हुई छोटी छोटी, वो कर लिए, कुछ बनाना हुआ, कोई मुकदमेबाजी की रणनीति बनानी हुई सभा वाली, वो कर लिया। बहुत अच्छी जगह है, बहुत तसल्ली देने वाली। अरसा पहले मेरी माँ का ऑफिस हुआ करता था, मेरा भी ऑफिस ही है एक तरह से, ऑफिशियल स्पेस है। ये बहुत पुरानी चीज़ है, पीतल की धातु की का मुखौटा है देवी का, माँ के ज़माने का, माँ को पुरस्कार स्वरूप मिला था ये क्लीन गंगा मिशन में, तब से है, हम लोग पूजते हैं इनको नवरात्र के दिनों में। माँ की फोटो है, इसमें माला थोड़ी पुरानी है बेशक, हम ही लोग नाकाबिल लोग हैं। दरवाजे पर अभी भी उनके नाम का बोर्ड लगा के, हाँ, माँ ने बहुत हसरत से, माँ ने और पिता ने, ये बोर्ड बहुत पहले हम लोग किराए के मकान में रहते थे तो ये बोर्ड उस पर लगा हुआ था। माँ उस समय PhD कर रही थी, और PhD करने के पहले ही, PhD के दरमियान ही पिता ने डॉक्टर शकुंतला शुक्ल ऐसा बोर्ड उनके लिए बनवा लिया था। तब बहुत क्रेज था पढ़ाई लिखाई का, अब भी है,
आइए तो आगे देखा था। तापस आगे दिखाना है कृति को। स्वाति नंदिनी आ जाओ, पीछे रिबॉक्स प्यूमा दोनों लोग चिल्लाते रहेंगे, आप परेशान मत होइएगा मित्रों। कृति दो लोगों का जिक्र छूट गया है यहाँ रहने वाले कुल सदस्यों में से दो का, एक तो शाश्वत त्रिपाठी जो मेरे वैसे ही प्रिय बच्चे हैं जैसे तापस हैं, तो शाश्वत गया हुआ है काम से, अभी आ जाएगा। शाश्वत यार बुरा मत मानना, तुम हो इसी में ना और दूसरे शर्मा जी, जेपी शर्मा जी, सफ़ेद दाढ़ियों वाला एक धवल केशी, धवल दाढ़ी बुजुर्ग जाम्बवान जैसा हमारे, जो अभी गांव गए हुए हैं, वो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे बच्चे जैसे भी बन जाते हैं कभी कभी गलतियां करके। वो मुझसे मेरे परिवार से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए क्या हैं, परिवार का हिस्सा। आगे ये वाली जगह जो है, यहाँ गणेश जी महाराज एक और हैं, बड़ा गणेश जी की तरह, ये एक ही जड़ एक ही लकड़ी से बने हुए गणेश जी हैं, उनका चक्र अगर हटा दीजिए तो एक ही लकड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है। बहुत प्यारे से गणेश जी हैं। मेरी माँ ने आदिवासी जनजातीय कला का एक बहुत बड़ा मेला बनारस में लगा था 30 साल पहले, उसमें से बहुत चिरौरी करके, बहुत दाम कम करा के, बहुत हसरत के साथ ये प्रतिमा ली थी। ऐसे गणेश जी जिनकी सूंड बाईं ओर घूमी हुई हो, बहुत मुश्किल गणेश जी माने गए हैं हमारी परंपरा में। ये हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, इनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। एक स्क्रीन है ये बड़ी सी, इस पे हम लोग अपना नाटक वगैरह देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। ये जगह तापस के अख्तियार वाली जगह है, यहाँ पे जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसको उसका इस्तेमाल तापस करते हैं, उसको ठीक सब लोग करता है मिलके। ये जो जगह है, 1 इंच नीचे इस कमरे से, ये आंगन है। दरअसल आंगन भी है और इन दिनों हम लोगों का रिहर्सल स्पेस भी है ये। इस पर हम लोगों ने कालीन वगैरह बिछा रखी है, हट जाती है, बिछी जाती है, और यहाँ पे हमारे सभी नाटकों की रिहर्सल होती है। ये हमारा जिसे कहते हैं अखाड़ा सिद्धपीठ, ये मकान जो है मैं बता ही चुका हूँ 350 साल पुराना है। अरे यार कोई जाके रिबा को प्यूमा को चुप कराए, जाइए। अरे चुप नाश। तो इस जगह पे रिहर्सल होती है, और ये वाली जगह मैं देखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ रिहर्सल, तब डाइनिंग टेबल वगैरह किनारे कर देता हूँ, नहीं तो फिर डाइनिंग टेबल है। और सबसे जो नाजुक जगह है इस कमरे की, वो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रीडिंग टेबल है, एक नाजुक कोना, ये बना था साखी के लिए, लेकिन इन दिनों मैं इस पर काबिज हूँ। इसमें देखिए एक तस्वीर भी साखी ने लगाई है, ये हम लोगों को मिला था, बहुत प्यारी तस्वीर में, ये सब लोग देख लीजिए इधर। ये साखी की और मेरी फोटो है भाई, विवेक शुक्ला का एक ये फॉर्म भी है। हाँ, जैसा तैसा पिता भी हूँ मैं, मेरे बच्चे लेकिन मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो ये आजकल मद्दाह का उर्दू हिंदी कोश, संक्षिप्त शब्द सागर, निराला पर निबंधों की एक किताब, रेवा प्रसाद द्विवेदी की कालिदास पर किताब, रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, और प्रोफेसर गरिमा श्रीवास्तव जो JNU में हैं, स्त्रीवादी चिंतक, उनकी किताब आउशविट्स, उनके गद्य की मुझे बहुत पसंद है, अपनी किताबें सब लगी ही हुई हैं यहाँ पर। इनकी सहेज संभाल का काम सब लोग मिलकर करते हैं, ख़ासतौर पर हमारी नंदिनी करती हैं, स्वाति करती हैं। आप यहीं पे बैठ के पढ़ते लिखते हैं? मैं बैठता हूँ जब मौका मिलता है तो यहाँ बैठता हूँ, मैं अनिकेत हूँ दरअसल। मैं ये मानता हूँ कि कहीं भी बैठ के पढ़ा लिखा जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं वहीं अगर ना बैठूँ तो पढ़ नहीं पाऊँगा।
अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो कहीं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, अब पढ़ना होगा तो पढ़ लूंगा, लेकिन ये जगह मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये अनेक वजहों से ऐसी जगह है ये, जहाँ ऐसा लगता है कि सारी चीजें चुन चुन के लगाई है, तो आपने लगाई ये सारी चीजें चुन चुन के? अब मैं ये कहूँगा कि मैंने लगाई हैं तो ये भी गलत होगा। ये जो पूरा स्पेस खोजा गया है, इसका पुनराविष्कार हुआ है, इसे स्वाति, नंदिनी, तापस, साखी, शाश्वत, इन पांच लोगों ने अपने स्वप्न से, अपनी कल्पना से न सिर्फ बनाया है बल्कि उसको सहेजना है, उसको बचाए रखना है, उससे किसी जीवित मनुष्य की तरह प्रेम करना है, ये भी इन्हीं लोगों का काम है। इसमें क्या जोड़ना है, घटाना है, बढ़ाना है, कुछ टूट जाए तो कैसे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके एक दूसरे की जान ले लेनी है, वो भी सब होता है। जो चकल्लस है समूह की, वो है यहाँ पे। तो बर्तन यहाँ भी टकराते हैं। और पहले कोविड के पहले तक हम लोग 15 लोग थे। कोविड में मैं अपना समूह जो है उसको, जैसे इस समूह को संभाल सकता हूँ वैसे उसको नहीं संभाल पा रहा था। तो कुछ साथी हमसे अलग हुए, लेकिन वो भी बहुत प्यारे थे। मेरी शक्ति होगी, उनका थिएटर के संसार में नियमित रंगकर्म में दोबारा लौटने का मन होगा तो मैं उनको ले भी आऊँगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, वो जहाँ हैं मस्त रहें। हम लोग क्योंकि जहाँ हैं बहुत प्रसन्न हैं, बहुत अकुंठ हैं, बहुत उच्छल हैं, एक गिलहरी गेंद या घास जैसा जीवन जी रहे हैं, वो घास जिसको कोई तूफान हिला नहीं सकता, या वो घास जो हरी है खाण रेत पर बिखरी, हाथी चुनी न जाए, कहे कबीर गुरु भले सुझाए, चीटी वह वह खाए। हरी जो है वो रेत पर बिखरी हुई चीनी है जिसको हाथी नहीं खा सकता। अगर मिट्टी में चीनी गिर जाए तो हाथी कैसे खाएगा, लेकिन चींटी खा लेगी। तो हमारा दिमाग जो है चींटी की तरह एकदम विनयावनत है, और हमारे हौसले बिल्कुल घायल शेर जैसे हैं। मैं तो यही सिखा पाता हूँ कृति, तो यही सिखाता हूँ। और क्या कहा जाए, काफ़ी सुंदर घर है सर, काफ़ी सुंदर घर है। शुक्रिया। सुंदर है, सुंदरता को सुंदर करे ही छवि गृह दीप सिखा जनु बरे। इस सुंदर को और सुंदर बनाना है। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है मकान का, वो एकदम ट्रेडिशनल पुराना मकान है, उसको भी कुछ नया कुछ पुराना ऐसा बनाना है। उधर वाला जो जहाँ पे रिबॉक शुक्ला और प्यूमा शुक्ली आपको मिले थे भाव भाव करते हुए, उस वाले हिस्से में बहुत सारा काम है, वो सब हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा जो है वो है नागरी प्रचारणी सभा को सुंदर बनाना। अपने घर पे दिया जल चुका है मेरे ख्याल से, अब सभा में मशाल जलाने का समय है। तो यही है कुल मिला जुला के जीवन ऐसे ही बीत रहा है, और आगे क्या होना है उसको लेकर के हम लोग बिल्कुल अनिश्चित हैं, और यही उसकी सुंदरता है। कल को नागरिक चाणी सभा को हरिद्वार जाके चलाना हो, दिल्ली जाके चलाना हो, विदेश में चेन टूर हो राम की शक्ति पूजा के मंचनों का, तो हम लोग तैयार हैं घर छोड़ देने के लिए भी। ऐसा नहीं कि घर बहुत सुंदर है तो घर से चिपके रह जाना है, ऐसा भी नहीं कि घर किसी जिद में लौट के ही नहीं आना है। घर है तो घर हमारे भीतर भी है, बहुत से घर हैं हमारे, सब घरों को बना के रखना है। मैं किसी वाकजाल में होमसिक फील नहीं करते? करता हूँ कई बार बहुत। मैं होमसिक होना नहीं चाहता, लेकिन कई बार लगता है बाहर जाके कि चला जाए बनारस। अच्छा, बनारस, बनारस घर, अपने घर लौटने का मन नहीं करता। बनारस में, अपनी गलियों में, बनारस की सड़क में, बनारस की हवा में, बनारस की आग और बनारस के पानी में लौटने का मन करता है। वो है मन जिसके लिए केदार जी ने कहा है, जो आधा जल में है, आधा शंख में, आधा नींद में है, आधा फूल में, आधा मृत्यु में है, आधा है और आधा नहीं है, वो वाला बनारस। आप जो लिखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि
पुराना बनारस जो है आपकी स्मृतियों में है वो बहुत पसंद है आपको, और उस बनारस के छूटने का दुख है। मैं आपसे ये अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे रंग और रोशनियाँ बहुत पसंद हैं। पुराने बनारस में रोशनी कम थी, वो अलग वजहों से और अलग तर्क पर मुझे पसंद था। नए बनारस में कहीं कहीं रोशनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो मुझे नापसंद हो सकता है, लेकिन जहाँ रोशनी बिल्कुल माकूल गिर रही है वस्तु पर, वो मुझे पसंद है। बनारस बदला है, बदलाव मुझे पसंद है। एक बड़े बदलाव के घटित होने में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ज़रूरी चीज़ें भी अपनी जगह छोड़ देती हैं, हट बढ़ जाती हैं, उनका नुकसान हो जाता है, उसको भी एक दरगुजर किया जा सकता है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन बनारस का जो मूल स्वभाव है, चना चबैना गंग जल जो पुरवे करतार, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार, बनारस की जो सादगी है, बनारस का जो औघड़पन है, उसको बचाए रखना तो हम लोगों की जिम्मेदारी है। बनारस की जो गहनता है उसको बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। बनारस का जो बनारस की स्काईलाइन है, जो घाटों की, घाटों का जो पुरानापन है, भीतर से नया हो जाए कम से कम, बाहर से तो पुराना बचा रहे, वो ख़त्म हो जाएगा तो हम कहें कि बनारस, तो वो सब बचा रहेगा। मैं ही सोचने वाला नहीं हूँ, और भी लोग हैं, सोचेंगे, बचाएंगे, बनाएंगे, बढ़ाएंगे। मैं बहुत उम्मीद से देखता हूँ आने वाले समय। अब हम लोग क्या किया जाए, मेरे मन में ये ख्याल है कि शाश्वत लौट के आ जाता है, तो मैं आपको अपने मशहूर प्रोडक्शन राम की शक्ति पूजा का एक हिस्सा खूब कायदे से, मनोयोग से खेल के दिखाता हूँ। ठीक है, हम सब लोगों को मजा आएगा बहुत। No, no, no.
दिन भर के तामझाम ताने बाने का सामना करने के बाद हम एक बार फिर से व्योमेश जी के घर आ गए हैं। इस वक्त ये जगह नाटक की छवियों और उसकी चमक धमक से गुंजायमान है। व्योमेश जी, आप राम की शक्ति पूजा का मंचन 102 बार कर चुके हैं, लगभग 101 बार, और करीब दशक भर से ज़्यादा समय से इसका मंचन आप कर रहे हैं। राम की शक्ति पूजा आपके लिए क्या है? आपकी क्षमताओं की सीमा, आपकी कला का विस्तार, विशुद्ध धर्म या राजनीतिक गलियारों में पकड़ का रास्ता? मैं पीछे से शुरू करता हूँ। राजनीतिक गलियारों में पकड़ का रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। हमारी राजनीति सौभाग्य या दुर्भाग्य से राम की शक्ति पूजा, निराला, रामचरितमानस आदि इत्यादि को बहुत मान्यता देने के पक्ष में नहीं रही है कभी भी, क्योंकि साहित्य सूक्ष्म है और राजनीति स्थूल है। तो स्थूल और सूक्ष्म दुनिया की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में एक साथ रह नहीं सकते। कवि लेखक राजनेताओं को भले जानते हों, कम से कम हिंदी पट्टी के राजनेता अपने कवियों, लेखकों, संस्कृति पुरुषों को नहीं जानते। तो इतना यकीन रखिए कि जैसे बांग्ला भाषी समाज रविंद्रनाथ को या मलयालम भाषी समाज अपने पूर्वजों को एमटी वासुदेवन नायर को या किसी ऐसे बड़े कावलम नारायण पणिक्कर को जानता है, वैसे निराला को जानने वाला कोई मुख्यमंत्री, कोई राज्यपाल हमें मिला नहीं है। अपवादों की बात मत कीजिएगा, अपवाद से नियम पुष्टि ही होता है। तो राम की शक्ति पूजा मेरे लिए मेरी माँ का एक और स्नेहोपहार है। मेरी माँ ने निराला की काव्य भाषा पर पीएचडी की थी, प्रोफेसर बच्चन सिंह के सुपरविज़न में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर बच्चन सिंह वही आलोचक हैं जिन्होंने निराला पर उनके जीते जी पहली पुस्तक लिखी थी, क्रांतिकारी कवि निराला नाम से, और वो बहुत यादगार किताब मानी गई। निराला के जन्म के 50 वर्ष पूरे होने पर, उनके 50वें जन्मदिन पर, इसी बनारस में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था गायघाट में। बहुत ज़ोरों शोर से निराला का जन्मदिन मनाया गया था और उसमें जयशंकर प्रसाद शामिल थे, दूसरे कई मूर्धन्य शामिल थे। तो उसमें वो किताब बच्चन सिंह जी ने भेंट की थी निराला को। मुझे एक बार जोड़ लेने दीजिए कि प्रसाद जी उसी आयोजन में शामिल थे या किसी और में। निराला का जन्म हुआ 1896 में, 6, 16, 26, 36, 46 नहीं, प्रसाद और निराला एक साथ किसी और आयोजन में थे। निराला के जन्मदिन पर जो आयोजन हुआ था वो 1896 के लिहाज से 1946 में हुआ होगा, और 1937 में प्रसाद जी का देहांत हो गया था। लेकिन ये स्मृति भी अपनी जगह है कि निराला और प्रसाद ने साथ साथ एक सार्वजनिक मंच शेयर किया है। बहरहाल बच्चन सिंह के सुपरविज़न में काव्य भाषा पर पीएचडी कर चुकने के बाद मेरी माँ के मन में निराला की छवि किसी ग्रीक देवता जैसी थी, लार्जर देन लाइफ, और निराला की कविता की भी। तो मेरा बचपन बहुत निरालामय था, वसंत विषयक गीत, प्रार्थना परक कविताएं और मुक्त छंद में रची गई बिल्कुल आवांगार्ड प्रगतिवादी कविताएं, महंगू महंगा रहा या झिंगुर डटकर बोला या भिक्षुक या वह तोड़ती पत्थर, सारी जो रेंज है निराला की मेरे लिए बहुत हस्तामलक वत हाथ में रखे हुए आंवले जैसी थी, क्योंकि मैं अम्मा को बराबर उसका उच्चार करते हुए देखता था। मुझे बहुत सारी कविताएं याद हो गई। माँ ने कुछ लोभ देकर, कुछ डरा धमका कर मुझे एक दफ़ा राम की शक्ति पूजा पूरी याद करा दी थी। मुझे याद थी वो कविता, अभी भी लगभग याद ही है, अब भूल जाता हूँ, बीच में से कोई याद दिलाता है तो बोलने लगता हूँ। तो राम की शक्ति पूजा से जितने ऑर्गेनिक संबंध की बात की जा सकती है वो मेरा था। और जब मैं थिएटर करने लायक हुआ
तो मुझे लगा कि इस पर हाथ आजमाना चाहिए, जो मेरी माँ का बहुत पुराना स्वप्न था। माँ ने आधे घंटे की नोटिस पर उसकी स्क्रिप्ट एडिट करके कविता में से मुझे दे दी और हम लोग उसको संगीतबद्ध करने लगे। वजह कुछ नहीं थी, वजह थी दुनिया में कुछ भी ना हो तो महज उस महान कविता के उच्चारण भर से मैं प्रसन्न और व्यस्त रह सकता हूँ। वजह कविता है, कविता से बड़ी कोई वजह नहीं है, कविता से ज़्यादा कोई वजह नहीं है। उस कविता के बारे में बात करना, उस कविता जितना ही सुंदर काम है, उस कविता को की उपस्थिति को एसर्ट करना बहुत सुंदर काम है। उस कविता का संगीत तैयार करना, उस कविता के लिए एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज बनाना, उसको एक तरह की ऐसी मिथकीयता में निबद्ध करना जिसका कोई आधुनिक मानी भी निकले, ये सब करते हुए मैं बहुत, जो कहते हैं नत नयन प्रिय कर्म रत मन निराला, कि आंखें झुकी हुई हैं और मन जो है अपने प्रिय काम में रत है। वो तोड़ती पत्थर में एक पंक्ति है, नत नयन प्रिय कर्म रत मन गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो निराला की उस नायिका की तरह मैं इस कविता के सामने नत नयन था, और 11 साल कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं लगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा ये सोचे बगैर मैं चला अंधाधुंध, और नतीजा हर बार बढ़िया ही निकला। बल्कि मैंने इसी से फलसफा अपने लिए सीखा कि जिस काम के नतीजे की आपको परवाह नहीं होती वो काम आप बढ़िया करते हैं, और जिस काम की शुरुआत में सोच लीजिए कि ये कर लेने से ये होगा, इस बार 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 नहीं आएगा 8 आ जाएगा। इन 11 सालों में आपने चित्रकूट किया है, राम की शक्ति पूजा की है, जब आप अंग्रेजी नाटकों पे आए तो आपने मैकबेथ किया है, जब आप लेखकों की बात करते हैं तो आप प्रसाद की बात करते हैं, निराला की बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, हरीशचंद की बात करते हैं, एक अभिजात्य पना दिखता है इन सारी चीज़ों के चुनाव में। आप कर सकते थे आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे कर सकते थे आप शायद वेटिंग फॉर गोडोट कर सकते थे, पर आपने चुना मैकबेथ, आपने चुनी राम की शक्ति पूजा, और सिर्फ एक बार नहीं पिछले 11 सालों में बार बार चुना है। क्या आप अपने आप को उसी कुलीन तबके तक सीमित करना चाहते हैं? ये एक सोचा समझा चुनाव है? मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँगा। आषाढ़ का एक दिन का गद्य मुझे बहुत पसंद है, आषाढ़ का एक दिन का नाटककार मोहन राकेश, उसका लिखा हुआ सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगता है, और मैंने अपने निर्देशकीय जीवन की शुरुआत ही आषाढ़ का एक दिन से की है। आषाढ़ का एक दिन मैंने किया है, और आषाढ़ का एक दिन में जितने प्रयोग के साथ मैंने किया है आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। आपने वो नाटक पढ़ा होगा, कालिदास जो है हरिण शावक को गोद में लेके पहली बार मंच पे प्रवेश करता है। हम जिएंगे हरिण शावक, एक बाण से आहत होकर हम अपने प्राण नहीं देंगे, और हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम घायल हैं तो क्या हुआ, हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे ऊपर दूरवा का लेप होगा, हम कोमल दूरवा खाएंगे, आदि आदि कहता है। हिरण के बच्चे को घायल कर दिया है राजपुरुष ने, और कालिदास उसे गोद में लेके मल्लिका के घर चले आए हैं। इस दृश्य को मैंने अतिक्रमण के खिलाफ, स्टेट स्पॉन्सर्ड अप्रोप्रिएशन के खिलाफ एक नागरिक, एक ग्रामवासी के बयान में बदला था। मान लीजिए आदिवास चीख उठा हो, बस्तर के जंगलों में जब पुलिस घुसती है तो जो मूल निवासी है जितनी बड़ी विपदा में पड़ जाता है, वैसे कालिदास बोलता है किसी मजदूर नेता की मानिंद। और हरिण शावक की जगह पर मैंने 50 लड़कों का एक हुजूम तैयार किया था जो एक साथ हरिण शावक थे, और वो उनसे बहुत
अति नाटकीय ढंग से कहता था, हम जिएंगे हरण शावक। उनको अपने में समेटे हुए अब एक अकेला आदमी 50 लोगों को गोद में लेने की अति यथार्थवादी कोशिश कर रहा है मंच पर, कल्पना कीजिए। अब वो घुसे जा रहे हैं उसके भीतर पूरी एनर्जी से, एक आदमी के भीतर 50 लोग घुसे जा रहे हैं, और वो जो है उनका नेता है, उनका सरपरस्त है, उनका अभिभावक है, उनको बचा लेने वाला चिकित्सक है, और वो कालिदास है उसी समय। तो मैंने रोमांस के उस नाटक को एक पॉलिटिकल दस्तावेज की तरह पढ़ने की कोशिश की थी। दरअसल मैंने उसकी अभिजनता में सेंध लगाई थी, कालिदास का जो लिरिकल गार्बेज है उसको क्रांतिकारी वस्तु से बदल देने की कोशिश की थी। लेकिन वो नाटक मैंने इस कदर स्वप्नशीलता के साथ तैयार किया था कि उसका दूसरा तीसरा चौथा मंचन कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाया। उसको पसंद बहुत किया गया, और किसी मेरे जैसे रंग समूह वाले व्यक्ति के लिए एक नाटक भविष्य की संभावनाओं से ही बनता है। मतलब उसका उसके लगातार शोज़ हों, लोग उसको आमंत्रित करें, वो जगह जगह पर खेला जाए, ऐसा उसके साथ नहीं हो पाया। लेकिन संयोग देखिए कि ऐसा बाद में राम की शक्ति पूजा और कामायनी के साथ हुआ। इनको अवसर ज़्यादा मिले तो इनमें निखार ज़्यादा आता गया। ये यहाँ से 600 किलोमीटर दूर कलकत्ते जाकर इनको मंचन करने में जो भौतिक दुश्वारियाँ हैं उनको हम अनुभव के आधार पर दूर करते गए, दुश्वारियाँ कम होती गईं, तो हमारा रास्ता स्मूथ हो गया बहुत। तो सफल और सफल, सुंदर और सुंदर होता गया। और जैसे आषाढ़ का एक दिन कहीं पीछे छूट गया, मेरे देखते देखते चित्रकूट कहीं पीछे छूट गया। अगर आप सिर्फ वैभव को या सिर्फ राजनीतिक प्रासंगिकता को, राम का तो बड़ा हल्ला है इस समय, तो राम की शक्ति पूजा के वजन पे मैं चित्रकूट भी कर पाता, लेकिन चित्रकूट कर पाना फिर मैंने कठिन बना लिया था। उसमें तरह तरह का मेकअप और ड्रेसअप इतना ज़्यादा था कि मैं उसको संभाल नहीं पा रहा था। तो जिसको मैं ही नहीं संभाल पा रहा हूँ वो हो भी नहीं पा रहा है। मैं अभिजनता का प्रशंसक ज़रूर हूँ, ये नहीं चाहता कि खुद अभिजन बन जाऊँ। मैं अभिजनता में विलीन होने को तैयार नहीं हूँ। मैं दूर से उसको देखूँगा। भव्यता मुझे पसंद है, वैभव का रंगमंच मुझे पसंद है, नुक्कड़ नाटक मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तय है। और मुझे टेक्स्ट से ही मतलब एक तरह की समृद्धि का एहसास होना चाहिए, लेकिन समृद्धि को मैं अपनी सीमा नहीं मानता, न तो मैं अपनी अस्थि मानता हूँ, मेरी अस्मिता भी नहीं है वो। मैं किसी भी पल सड़क पे उतर जाने वाला एक आवागार्द बनूं, यही मेरी कामना है। जब आप इसी अभिजात्य बनने की या उसके जैसा दिखने की बात पर ये सवाल पूछ रही हूँ मैं, जब आप बात करते हैं, आपकी जो भाषा है वो भाषा सामान्य लोगों की भाषा नहीं है, वो भाषा मेरे पास नहीं है, वो भाषा इस वक्त यहाँ मौजूद जो लोग हैं कई लोगों के पास नहीं है। ये भाषा आपके पास कैसे आई? क्या आपको ये भाषा एक ऐसे समृद्ध परिवार में जन्म लेने की वजह से मिली, या किसी व्यक्ति से प्रेरणा लेकर आपने उस भाषा को साधा है? बहुत सी बातें एक साथ हैं इसमें, और मुझे भाषा पे बात करना बहुत पसंद भी है कृति। तो ये सवेरे से जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, फिर उनका जिक्र मैं करूँगा, मुझे शर्म आने लगी है। माँ, मेरी भाषा मेरी माँ है, और मेरी माँ ने मुझे ये भाषा दी है। मेरी माँ सर्वथा परिनिष्ठित, कसे हुए वाक्यों वाली, बहुत ठोस और प्रत्यक्ष, बहुत इंद्रियानुभव से संपन्न और सीधे दिल तक पहुँचने वाली हिंदी की कायल थी, और वही हिंदी बोल बोल के उन्होंने मुझे सिखा दी। भाषा मुझ तक आई कैसे है वो खुद ही मुझे जादू जैसा लगता है आज। मैं नहीं जानता, बस वो आ गई है। जैसे मैंने सांस लेना कब सीखा, या आपने सांस लेना कैसे सीखा, हम नहीं जानते ना। पानी पीना हमको कब आ गया, रोना कब आ गया, वैसे ही भाषा आ गई। और एक बारगी जब वो मुझे मिल ही गई थी, मेरी वाक्य रचना ठीक ठाक थी, और जैसे नुकीले को मैं बचपन से नोकिल कहता था,
बड़ी नोकिल पेंसिल है, तो एक तरह का छायावादी संस्कार। नुकीले को नोकिल कौन कहता है? नोकिल कोई शब्द ही नहीं होता, लेकिन मैं कहता था अपने बचपन में। नटराज पेंसिल का जो डब्बा होता था उस पर एक बिल्कुल बारीक छिली हुई पेंसिल को देख के मैं आत्मालाप कर रहा था बचपन में एक दिन कि काश मैं भी ऐसी नोकिल पेंसिल से लिख पाता, तो मेरी माँ हंसने लगी। वो दिन मुझे याद है। नुकीले को नोकिल कहना, आपने कहीं नोकिल नहीं पढ़ा होगा, तो स्वप्निल की तर्ज पे नोकिल, उर्मिल श्यामल की तर्ज पर मैंने वो शब्द अपने लिए बना लिया था। मेरी पढ़ाई लिखाई साहित्य से जुड़ी हुई जब आगे बढ़ी होगी तो शब्द भंडार बड़ा होता गया होगा। लोगों को सुनने के अनुभव में बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं लोगों को सुनता रहा। मुझे जितना ये पता है कि क्या बोलना चाहिए, उससे ज़्यादा ये पता है कि क्या नहीं कहना चाहिए, और फिर वो शब्द मेरे भीतर इकट्ठा होते गए होंगे। स्मृति भी मेरी अच्छी है, कविताएँ याद हो गई। दरअसल इसके पीछे भी निराला का कहीं प्रताप है। और बहुत सचेत ढंग से मुझे जो मेरे उस्ताद लोग मिले बनारस में, ज्ञानेन्द्रपति, बहुत शानदार भाषा है उनके पास। हिंदी आलोचना में आप जानती ही हैं सब लोगों को, आचार्य शुक्ल की भाषा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा, रामविलास जी की भाषा, कहीं पर वो बहुत प्रवाहमय सरल हिंदुस्तानी के करीब चली जाती है और कभी कभी संस्कृत शब्दों से समृद्ध। तो हर तरह की भाषा में भाषा के रजिस्टर्स हैं। सवाल है कि आपके पास कितने रजिस्टर्स हैं? संस्कृत वाला, अवधि वाला, हिंदुस्तानी उर्दू मिश्रित हिंदी वाला, इंग्लिश वाला भी, तो सब थोड़े बहुत पढ़ने को मिल गए। लेकिन जब आप बात करते हैं कि हिंदी का कवि एक जनता का अनिर्वाचित प्रतिनिधि होना चाहिए, तो क्या उस कवि की भाषा आम जनता की भाषा नहीं होनी चाहिए? जब आप इस भाषा में बात करते हैं, क्या आप एक आम भारतीय जिसकी पहुंच में शायद ये वाली भाषा नहीं रही होगी और इस वजह से वह व्यक्ति इस भाषा को जान नहीं पाया, क्या वो इस भाषा से अभिभूत नहीं होता होगा? देखिए, भाषा का आदर्श तो आपको ऊंचा ही रखना होगा ना। ऐसी कोई भाषा आप कल्पना करके लिख नहीं सकते जो लोगों को समझ में आती हो। लोगों को कौन सी भाषा समझ में आएगी ये तय करने वाला मैं कौन होता हूँ, या आप कौन होती हैं, या हमारे जैसे कौन से लोग हैं, अखबारों के संपादक जो हमें आसानियत का विमर्श सिखलाते रहते हैं कि प्रतिहिंसा के स्थान पे कौन सा शब्द लिखा जाए। अगर कोई शब्द नहीं है, मान लीजिए बदला मैं नहीं लिखना चाहता कि बदले की कार्रवाई, मैं लिखना चाहता हूँ प्रतिहिंसा में, तो बदला नहीं प्रतिहिंसा ही, या प्रतिहिंसा नहीं बदला ही, ये ही बताने वाला कौन है? भी बताने वाला चाहिए हमें। एकमात्र एक वस्तु स्थिति को व्यंजित करने वाला एकमात्र शब्द ही अंतिम सत्य है, ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं। मेरी भाषा एक और विकल्प है, आपके पास अनेक विकल्प हैं। और मैं ये भी नहीं मानने को तैयार हूं कृति, कि मैं अगर एक सघन संस्कृत निष्ठ हिंदी का इस्तेमाल करूंगा तो सिर्फ इसी वजह से मेरी कविता संप्रेषित नहीं हो पाएगी, संचरित नहीं हो पाएगी, अंततः लोकप्रिय नहीं हो पाएगी। अगर उसके कंटेंट में दम होगा और इकोसिस्टम उसके अनुकूल होगा, मौसम, तो वो पढ़ी जाएगी, समझी जाएगी। अन्यथा मैं लाख आम फहम भाषा में लिख लूँ, वो नहीं पढ़ी जाएगी। क्योंकि कविता के कम्युनिकेशन के पीछे सिर्फ भाषा ही एक वजह नहीं होती, और भाषा के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज भाषा लिखने का दरअसल कोई नैतिक आधार नहीं बनता। इसलिए मैं भाषा के जरिए दूसरों की चापलूसी नहीं कर सकता, अपने पाठक की तो कभी नहीं करूंगा, दो स्वप्न में भी नहीं। मैं पाठक को तेल लगाने के पक्ष में नहीं हूं। पाठक को पढ़ना होगा तो वो मेरे पास आएगा, मेरी भाषा पढ़नी होगी तो, क्योंकि इसी हिंदुस्तान में भवभूति भी पढ़े गए हैं और भास भी पढ़े गए हैं। जो भाणभट्ट को पढ़ने वाला पाठक वर्ग था तो वाल्मीकि को पढ़ने वाला भी था, अवधि, ब्रज, हिंदुस्तानी, निराला को पढ़ने वाले भी थे। और आप पहला पैराग्राफ पढ़ के देख लीजिए राम की शक्ति पूजा का, वो हिंदी में लिखा ही नहीं हुआ है, संस्कृत में है।
आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शक्षेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह। यह कौन भाषा है? लेकिन है, निराला कहते हैं कि मित्रों ये वाता दो टूक कलेजे के करता चल रहा लकुटिया टेक पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, ये भाषा पढ़ने वाला एक संसार है और वो प्रत्यूह हू वाली भाषा पढ़ने वाला एक और संसार है। तो बहुत सारी भाषाएं रहने दीजिए, बहुत सारे फूल बगीचे में खिलने दीजिए, इसी में भाषा का भी भला है और साहित्य का भी। बिल्कुल इसी तरह जब आप अपनी कविताओं में आते हैं तो इतने सारे चित्र हैं, इतना कोलाहल है कविताओं में, इतनी एब्स्ट्रैक्ट है कविताएं, क्या कभी आपको लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट होते होते वो अपठनीय हो जाएंगी? डर लगता है इस बात का? हाँ, डर लगता है, आप सही कह रही हैं, डर लगता है। मैं उस डर से अपने ढंग से एक तरह की जंग लड़ता हूँ कि मेरे भीतर जो कुछ काव्यानुभूति है वो कम्युनिकेट भी हो, मैं अपनी बात भी कह पाऊँ और वो समझ में भी आ जाए। दोहरा संघर्ष है कि मुझे लोगों को समझाने के लिए अपनी बात ना बदलनी पड़े और मेरी बात का स्वरूप अगर बहुत एब्स्ट्रैक्ट है तो वो कम्युनिकेट भी हो जाए। कई बार आप सफल होते हैं और कई बार विफल होते हैं, तो विफलता का खतरा एक क्रिएटिव आर्टिस्ट को उठाना चाहिए। ये सोच के मैंने कुछ कुछ प्रयोग किए हैं, जैसे मैंने एक कविता में लिखा था कि मैं चिड़िया जाना चाहता हूँ, मैं दोस्त की माँ को देखने कानपुर जाना चाहता हूँ। अब चिड़िया जाना चाहता हूँ क्या है? चिड़िया को जाना चाहता हूँ नहीं, चिड़िया पर बैठकर जाना चाहता हूँ नहीं, बस मुझे लिखने का मन था। तो मेरी भाषा मुझे एक लोकतांत्रिक अधिकार देती है कि मैं थोड़ा सा अर्थ का अपसरण भी कर लूँ, उसके बाहर भी चला जाऊँ, भटक के फिर अर्थ की दुनिया में घुस आऊँगा। तो मैंने लिखा तो उसको पसंद नहीं किया गया, तो नहीं किया गया तो मैं वैसे प्रयोग दोबारा नहीं करता, ये भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, तो ठीक है, यही सही है। मुझे पाठकीय विवेक पे भरोसा है और प्रयोग करना आप छोड़ेंगे नहीं, तो प्रयोग करते रहिए, कभी सफलता मिलेगी कभी असफलता। राम की शक्ति पूजा एक तरह से आपका मास्टरपीस है, क्या आपको लगता है कि कभी इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, इसके खोने का डर है, क्या ये वजह है कि आपने कोई और नाटक नहीं किए? नहीं, ऐसा कोई भय नहीं है। हो सकता है कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों दशक भर के बाद हमारी प्रस्तुति न रहे, ऐसा सोच के भी खराब लगता है, लेकिन एक कहावत है ना, जो फरा सो झरा और जो जरा सो बुताना है, जो जल रहा है वो एक दिन बुझेगा। ये बात बहुत सारे क्षेत्रों पे लागू होती है, जो आज फला हुआ दिख रहा है कल वो झड़ भी जाएगा, तो एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि राम की शक्ति पूजा नाम की हमारी प्रस्तुति नहीं हुआ करेगी, लेकिन राम की शक्ति पूजा नाम की वो मशाल अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल और भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, वो कविता अमर और प्रासंगिक बनी रहेगी, क्योंकि वो कविता हमें याद दिलाती है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। जब तक इस दुनिया में ताकतवर संरचनाएं मनुष्य पर अन्याय करती रहेंगी, हिंदी का ये वाक्य जीवित रहेगा, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, और ये जीवित रहेगा तो कविता भी जीवित रहेगी। हमारी प्रस्तुति जैसी तो 10 चीज़ें आती जाती रहती हैं। पिछले कई सालों से मैं कई व्योमेश शुक्ल को देख रही हूँ, कवि हैं वो, साहित्य सम्मेलनों में जाते हैं, नाटक करते हैं, पिता हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं कहीं कहीं पर, अब आप नागरी प्रचारिणी का भार भी लेने वाले हैं। इतने सारे अपने रूप के बीच में आप जो खुद स्वयं हैं
उसके साथ रहने का समय कब निकालते हैं? आप मुझसे कह रहे थे कि आपको एकांत से डर लगता है, आपको भीड़ में रहना, लोगों से घिरा रहना पसंद है। क्या आपने कभी सोचा है वो डर क्या है? नहीं, कोई ऐसा खास डर नहीं है। वो डर यही है कि लोग रहें, लोगों के बीच की आदत पड़ गई है। लोग आपको कोई ना कोई उपाधि दे ही देते हैं, कोई ना कोई संज्ञा पुकारने के लिए। तापस और साखी जो मेरे बच्चे हैं, वो आपको आपकी एक पहचान देते हैं। वही दोनों बच्चे कमबख्त मेरे दोस्त बन जाते हैं तो एक दूसरी पहचान भी दे देते हैं ना। मैं जब उनके ऊपर कोई हुक्म आयद करता हूँ एक थिएटर डायरेक्टर के तौर पे, तो वो भी बात बन जाती है। कुछ कुछ वैसी ही भूमिका स्वाति नंदिनी की है, जो राम की शक्ति पूजा की, क्रमशः राम और सीता हैं। मैं उस समय वही हो जाता हूँ जो मेरे सामने वाला चाहता है कि मैं हूँ। जैसे सामने वाला मुझे लेखक की तरह देख रहा है तो मैं लेखक हूँ, मुझे थिएटर डायरेक्टर की तरह देख रहा है तो मैं वो हूँ। मेरा घर का नाम लालू है और बनारस में लोग रेरिया के बुलाते हैं तो ललुआ भी चलता है, तो कोई अगर ललुआ के रूप में देखता है तो मैं वो भी हूँ। मेरी माँ मुझे भैया कहती थी, मेरे मामा मेरी मामियाँ मुझे भैया कहते हैं, मैं उनका भैया भी हूँ। व्योमेश जी, शुक्ला जी, व्योमकेश, बहुत सारे लोग मेरा सही नाम ही उच्चार नहीं पाते, बल्कि मेरा गलत नाम जो है मैं उसमें कहीं ज़्यादा हूँ, व्योमकेश और भोमेश और क्या क्या मैं बहुत हूँ। इतनी सारी भूमिकाओं के बीच में पढ़ने लिखने का समय कब निकालते हैं? हाँ, निकाल लेता हूँ। बहुत ज़बरदस्ती करनी होती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए कि मतलब वो मेरा बुनियादी काम है। एक तो मैं स्वभाव से आलसी हूँ, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम, मलूक का पद है। तो मैं कुछ भी एक दीर्घ सूत्रता है मेरे स्वभाव में, जिस काम में 10 मिनट का समय लगना चाहिए उसमें मैं घंटे भर लगा दूंगा, अब फिर भी वो न जाने कैसा कैसा पूरा होगा। मुझे याद है जब मैं बहुत पढ़ता था, बहुत का मतलब है दिन में 15-15 घंटे, तो मैं पढ़ने के पहले एक विशेष प्रकार की प्योरिटन तैयारी किया करता था, नहा लेता था, शेव कर लेता था, अक्सर 5-5 दिन के गैप पे बाल कटवा लेता था, अपने आप को भीतर से पवित्र पवित्र सा महसूस करने के लिए। हाथ पैर खूब धो लेता था, एक डेस्क थी उसको अपने सामने रख लेता था झाड़ पहुँच के, उस पर कविता क्या है निबंध आचार्य शुक्ल का खोल के उसको फुसफुसाते हुए पढ़ता था। इस तरह से बोलने से भी जैसे कुछ गंदा हो जाएगा, तो एक वो था अतिरेक। और अब एक ये है कि आपके पास पाखाने में भी बैठ के पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन पढ़ना तो होगा ना, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आप अपनी मनुष्यता से नीचे गिर जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और संयोग देखिए कि इस समय का लिखा हुआ जो है वो बहुत मकबूल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन दिनों मैं एक किताब पे भी काम कर रहा हूँ जो बचपन के अनुभवों पर है, और बचपन के अनुभवों के बहाने 60, 70 और 80 के दशक के सामाजिक सियासी परिवर्तनों पर और तमाम स्थितियों के बारे में, तो उसे लिख के मुझे बहुत मज़ा आया है। उसके कुछ हिस्से सोशल मीडिया पे भी मैंने लगाए थे। आपने भी? तो क्या इन व्यस्तताओं का असर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है? व्यस्तताएं ठीक, खालीपन नहीं ठीक। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इस देश के जिस बात ने सबसे अधिक बुरा असर डाला वो व्यस्तता नहीं थी, वो था खालीपन कोविड के दिन। तो व्यस्तताएं थका देती हैं आपको, आपका दिमाग जैसे डिहाइड्रेट हो जाता है वैसा मेरे साथ भी होता है कई बार, लेकिन मैं फिर से उभर के आ जाता हूँ। मैं थकता हूँ, इन दिनों ज़्यादा ही थक जाता हूँ,
लेकिन ठीक है, ये मुझे कबूल है। क्रोध, जलन, ये भाव आते हैं आपके जीवन में? कितना, किस दर से आते, कितना मिलते हैं आप इन सब भावों से? बहुत मिलता हूँ, मुझे क्रोध बहुत आता है। कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं, वैसे मैं आमतौर पे बहुत खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। क्रोध मुझे एक तो आता है घबराहट से भरा हुआ क्रोध, जब देर हो रही होती है, मुझे लगता है कि फलां काम को फलां समय तक हो जाना चाहिए, तब गुस्सा आता है। और जाहिर है कि अपने मित्रों पर आता है, जो मेरे साथ नाटक करते हैं, जो मेरे साथ नागरी चरणी सभा का मुकदमा लड़ते हैं, जो मेरे साथ कमरा साफ करते हैं, जो मेरे साथ, जो मेरे दो फेवरेट पाल्य कुत्ते हैं, रिबॉक शुक्ला और प्यूमा शुक्ली, उनकी देखभाल करते हैं उन्हीं लोगों पे आता है। जिनसे मतलब नहीं होता वो सताते भी नहीं, अन्यों पर क्रोध नहीं आता, और अन्य दरअसल कोई है भी नहीं, और क्रोध कोई मुद्दा भी नहीं है। जलन एक मुद्दा है, जलन नहीं होती मुझे। मेरा ऐसा मानना है कि किसी तरह की साहित्यिक सांस्कृतिक डाह मेरे भीतर नहीं है। मैं होड़ में तो हूँ, लेकिन मैं मतलब अपने आप को विजेता ही समझता हूँ। लोग मुझसे जलें, मैं क्यों जलूँ, लेकिन फिर भी जलन होती है मुझे। जब कोई काम बहुत सर्वांग पूर्णता में, बहुत गुणवत्ता के साथ, बहुत ईमान के साथ कोई कर देता है, तब मुझे जलन होती है। बहुत नहीं है, कभी ज़्यादातर अवसरों पर नहीं, बहुत कभी हो गया हूँ, किसी से ख़राब से बात कर ली हो, प्रतिहिंसा थोड़ी सी हुई है, हिंसा के प्रत्युत्तर में प्रतिहिंसक हो गया होऊंगा, लेकिन हिंसा का सूत्रपात मैं करूँ, अपनी ओर से शुरू करूँ, ऐसा नहीं होता। मेरा गांधी पे बहुत यकीन है। गांधी की आत्मकथा मेरी ज़िंदगी की पहली एडल्ट रीडिंग है। मतलब ये वाला जो विवेक है मेरा, व्योमेश शुक्ल का विवेक, ये 17-18 साल की उम्र में जब मुझे मिला, तो जो पहली किताब मैंने पढ़ी वो सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, और उसको पढ़ के मैं अभी भी बहुत ग्लानी से भर जाता हूँ। ये कैसा जीवन है गांधी का जीवन जो है, उसमें कितनी पवित्रता की खोज है, भीतर से कितना ब्रह्मचर्य है उसमें, भीतर से कितनी वो क्या कहते हैं, कितना शाकाहार है उसमें। ये सब बातें, मतलब मैं शाकाहारी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत कौतूहल से, बहुत श्रद्धा भाव से भर देती हैं। मुझे लोहिया भी बहुत पसंद है, वैसे ही लोहिया में और रंगीन संसार है। गांधी का बनाया हुआ देश अगर आपको मिलेगा तो उसमें आप मेरे जैसा आदमी कभी कभी ऊब जाएगा, लेकिन लोहिया के यहाँ जितना रामायण है, जितनी महाभारत है, जितने एम एफ हुसैन हैं, जितने राम कृष्ण शिव हैं, जितनी द्रौपदी हैं, वो सब आपको बहुत बहुत जगाए रखते हैं। लोहिया बहुत जगाने वाले व्यक्ति हैं। कोई अफसोस है जिस तरह का जीवन अभी आप जी रहे हैं? कुछ ऐसा काम जो करना चाहते थे नहीं कर पाए, जो पाना चाहते थे नहीं मिल पाया, या संतुष्ट हैं जैसा चल रहा है, अच्छा है? अफसोस जैसे बादल की तरह कभी कभी सूरज के ऊपर आता है और चला जाता है। जब देखता हूँ कि UPSC की तैयारी करता तो हो गया होता शायद। माँ चाहती थी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो जाऊँ, तो बिल्कुल ही हो गया होता, अब सही समय पर गंभीर हो गया होता तो। लेकिन ये सब बहुत ही क्षणवादी अफसोस हैं, और इनका कोई ऐसे मतलब बेकार की चीज़ें हैं, जैसे झपक जाती है पलक बीच बीच में, वैसे ही अफसोस है। कोई ऐसा अफसोस नहीं, वो संतुष्ट आदमी। हम अब बातचीत के अंत पर आ गए हैं। रमेश जी, आज आपसे मिलना, आपके साथ इतना सारा समय गुजारना, ऐसा था जैसे घर से भागा हुआ एक बच्चा अपने पितरों से मिलने आया हो और अपनी थाती देख रहा हो, अपनी
अपना हेरिटेज पहचान रहा हो। ये मेरे खुद के लिए एक बहुत ही भावुक समय था। मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा। और आपने इतना सारा समय दिया हमें, इतना सारा स्नेह दिया, बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। कृति, ये आपका घर है ये, और आपके साथ मैं जवाब में क्या कहूँ, आपके आपकी स्पिरिट के साथ हूँ मैं। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इतना समझने के लिए।